बारहवीं फेल एक दो हज़ार तेईस भारतीय हिंदी भाषा जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म विदु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित लिखित और निर्देशित यह अनुराग पाठक की दो हज़ार उन्नीस की आनाम नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है जो मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी है जिन्होंने अत्यधिक गरीबी को पार कर भारतीय पुलिस सेवा फिल्म में विक्रांत मैसी है शीर्षक भूमिका मेघा शंकर के साथ अनंत वी जोशी अंशुमन पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी हैं 27 अक्टूबर 2023 को नाटक के रूप से रिलीज़ हुई बारहवीं फेल को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह स्लीपर हिट बनकर उभरी यूएस डॉलर 7.8 मिलियन से अधिक की कमाई यूएस डॉलर 2.5 मिलियन 20 करोड़ बासठ करोड़ दुनिया भर में प्लॉट डाकू से प्रभावित चंबल में जन्मे मनोज कुमार शर्मा एक ईमानदार क्लर्क के बार भी फेल बेटे और के पोते हैं सूबेदार पुलिस का जो कार्रवाई के दौरान शहीद हो गया उनके पिता और उनकी दादी दोनों सख्त भारतीय हैं और भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करते इस अटल विश्वास के कारण मनोज के पिता को एक भ्रष्ट अधिकारी को मारने के आरोप में निलंबित कर दिया जाता है मनोज अपनी कक्षा बारह की परीक्षा के लिए छोटे छोटे चिट बनाकर तैयारी करते हैं जैसा कि उनके सभी बैचमेट करते हैं क्योंकि यह स्कूल और स्थानीय विधायक द्वारा समर्थित एक मजबूत प्रणाली है जो निर्देश देता है कि सभी छात्रों को उत्तीर्ण होना चाहिए हालांकि मनोज की परीक्षा के दौरान नकल को नए डीएसपी ने रोक दिया जो विधायक की कॉल को नज़रअंदाज कर देता है जब हेडमास्टर उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लेता है परिणामस्वरूप मनोज और बाकी सभी लोग बारहवीं बोर्ड परीक्षा में असफल हो जाते हैं इसी बीच उसके पिता अपने निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने चले जाते हैं और परिवार का बोझ मनोज और उसके भाई पर छोड़ देते हैं भाइयों ने एक यात्रा कार रखने और शुल्क लेने का फैसला किया ताकि वह घर पर मदद कर सके मनोज के भाई को झूठे आरोपों में पकड़ लिया गया और भ्रष्ट अधिकारी उनके पिता को अपने वरिष्ठ को मारने के लिए दंडित करने के लिए उन्हें दोषी बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नए डीएसपी एस दुष्यंत सिंह उन्हें रोकते हैं जब मनोज यह सीखने का अनुरोध करता है कि वह दुष्यंत जैसा उच्च पदस्थ अधिकारी कैसे बने तो दुष्यंत उसे धोखाधड़ी बंद करने की सलाह देता है एक साल बाद मनोज ने बिना नकल किए बारहवीं कक्षा की परीक्षा तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण की और डीएसपी बनने के लिए बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का विकल्प चुना जब वह ग्वालियर के सरकारी पीएससी एस कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलता है तो उसकी दादी उसे अपनी सारी बचत दे देती है लेकिन जब वह ग्वालियर पहुंचता है तो वह चोरी हो जाती है ग्वालियर में उसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो पी एस सी की पढ़ाई करने आया था उनके पिता अब उन्हें दिल्ली में यू पी एस सी की पढ़ाई करने के लिए कहते हैं मनोज पढ़ाई और पढ़ाई के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है एक आई पी एस अधिकारी बने उसकी मुलाकात गौरी भैया से होती है जो परीक्षा पास करने के लिए अपने आखिरी प्रयास में है वह मनोज को नौकरी के अवसर और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराते हैं गौरी भैया के इंटरव्यू के नतीजे आते हैं और पता चलता है कि वह फेल हो गए यानी अब वह कभी भी आईपीएस अधिकारी नहीं बन पाएंगे आगे बढ़ने का निर्णय लेते हुए गौरी भैया ने रीस्टार्ट नाम से एक कोचिंग संस्थान और चाय की दुकान खोली और अपनी सेवाएँ निःशुल्क प्रदान करता है अगले वर्ष मनोज अपनी प्रारंभिक परीक्षा देता है लेकिन असफल हो जाता है गौरी भैया की मदद से वह अगले साल फिर से प्रारंभिक परीक्षा लेता है और उसे पास कर लेता है उसकी मुलाकात श्रद्धा जोशी से भी होती है जो पीसीएस कर रही है और उससे प्यार करने लगता है अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मनोज उस वर्ष भी अपनी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे फिर वह और भी अधिक मेहनत करने का फैसला करता है और प्रीतम बताते हैं कि मनोज बारह घंटे काम करते थे और पूरी रात पढ़ाई करते थे दिन में केवल तीन घंटे सोते थे वह फिर से प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है लेकिन मुख्य परीक्षा में फिर असफल हो जाता है वह घर लौटता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है अब निराश गौरी भैया मनोज को अपने घर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह छोटी मोटी नौकरियां करना छोड़ दे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दे वह ऐसा करता है ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मुख्य परीक्षा भी पास कर लेता है लगभग इसी समय प्रीतम जो बार बार सभी परीक्षाओं में असफल हो रहा था को मनोज से ईर्ष्या होने लगती है और उसने श्रद्धा के पिता को झूठी रिपोर्ट दी कि श्रद्धा दिल्ली में मनोज के साथ सो रही थी इससे उनके रिश्ते में दरार आ जाती है लेकिन अंततः मामला सुलझ जाता है हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाते हैं उन्हें पहले ही एहसास हो जा गया था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहता है फिर भी उनके पिता उन पर यूपीएससी करने के लिए दबाव डाल रहे थे और उन्होंने प्रीतम को अपने पिता के खिलाफ खड़े होने की सलाह दी मनोज अपना इंटरव्यू देते हैं और सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं वह श्रद्धा द्वारा इसे लिखा गया एक पत्र पढ़ता है जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है वह खुशी खुशी इंटरव्यू देते हैं और मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं दो महीने बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो मनोज को एहसास हुआ कि उसने कक्षा में टॉप किया है और वह भावुक होकर रोने लगा एक साल बाद मनोज एक उच्च पदस्थ आई अधिकारी बन गए और मध्य प्रदेश के मंदसौर में डीएसपी एस दुष्यंत सिंह पुलिस स्टेशन में उनसे मिलने आए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद दिया मनोज ने उन्हें अपना विवाह निमंत्रण कार्ड देकर का धोखाधड़ी करना शुरू छोड़ दिया और दोनों अपनी सफलता से खुश थे फिल्म समाप्त होती है जहाँ मनोज अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है आखिरकार क्रूर शिक्षा प्रणाली के ज्वार के खिलाफ जीत हासिल करता है उत्पादन विकास नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने ट्वेल्थ फेल उपन्यास पर आधारित फिल्म की घोषणा की अनुराग पाठक द्वारा यह फिल्म की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी कास्टिंग नवंबर 2022 में चोपड़ा ने घोषणा की कि अभिनेता विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका निभाएंगे जो उनके पहले सहयोग को चिन्हित करेगा यूपीएससी कोचिंग प्रोफेसर विकास दिव्य कीर्ति को स्क्रीन पर खुद का किरदार निभाने के लिए चुना गया था कई वास्तविक जीवन के यूपीएससी उम्मीदवारों को विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया था मैसी के अनुसार इसमें प्रमाणिकता शामिल हुई फिल्म के लिए फिल्मांकन की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल मसूरी और मुंबई फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दो शिक्षा केंद्रों राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया था फिल्मांकन दिसंबर में पूरा हो गया था रिलीज फिल्म का टीजर 10 अगस्त 2023 को जारी किया गया था ट्रेलर 3 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी हिंदी में सफलता के बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को तमिल भाषाएं और तीन नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी तेलुगु और रिसेप्शन बारहवीं फेल को आलोचकों की प्रशंसा मिली एन डी टी वी के मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा उन्होंने अपनी समीक्षा में कहा कि बारहवीं फेल ना केवल उन कठिनाइयों और भावनाओं को समझने के लिए देखी जानी चाहिए जिनसे यू के छात्र गुजरते हैं बल्कि यह हमारे सिस्टम में समग्र शिक्षा पर भी प्रकाश डालती है चोपड़ा ने इससे सबका दिल जीत लिया हिंदुस्तान टाइम्स ने पाँच में से चार स्टार दिए और फिल्म दिस इज द इंडिया स्टोरी की समीक्षा की मयंक शेखर मिड्डे के विचार उत्तेजक और मनोरंजक फिल्म है पटकथा द्वारा एक सचमुच सहानुभूतिपूर्ण कहानी तैयार की जाती है यह मनुष्य की यात्रा के उतार चढ़ाव से एक आखिरी हिस्से को नाटकीय रूप से निकालने के लिए किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची से बचाता है बारहवीं फेल ने पांच में से साढ़े तीन स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी के जीवन का मूल चित्रण साइबल चटर्जी शुभ्र गुप्ता द इंडियन एक्सप्रेस ने पांच में से तीन स्टार दिए और लिखा कि इसके बावजूद साउंड ट्रैक और मूड में छिटपुट उतार चढ़ाव बारहवीं फेल ज्यादातर एक ज़मीनी हकीकत वाली फिल्म है जिसमें ऐसे किरदार हैं जो सड़क से भटक गए हैं और साथ घूम रहे हैं हम प्रेरणा से भरपूर जीवन के सबक साझा कर रहे हैं इसमें ना केवल बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हैं बल्कि इसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं जो उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग सुविधाओं वाले लोकप्रिय क्षेत्रों में एकत्रित होते हैं इन लोगों की छवि जो अपने घरों से दूर छोटी छोटी जगहों में रहते हैं और परीक्षा पास करने और अपने स्वरूप को बदलने की कोशिश में दिन रात पढ़ाई करते हैं एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय कहानी है पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा विक्रांत मैसी ने परफॉर्मेंस शीट पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पास किया कि भावना अग्रवाल इंडिया टुडे के धवल रॉय ने पाँच में से चार स्टार दिए और अपनी समीक्षा में कहा कि बारहवीं फेल है एक उत्कृष्ट फिल्म है जिसकी अत्यधिक अनुशंसा की जाती है इसके एक मिनट के लगभग हर दृश्य से आप प्रेरित और चकित महसूस करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए चोपड़ा को बधाई की फिल्म में प्रत्येक किरदार को अपना सर्वश्रेष्ठ मौका दिया जाए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने विक्रांत मैसी के प्रदर्शन की सराहना की और कहा हैश टैग उनचालीस यदि विक्रांत मैसी इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीतते हैं तो यह उस अभिनेता के साथ अन्याय होगा जिसने इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है दीपा गहलोत रेडिप डॉट कॉम द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा बारहवीं फेल फिल्म समीक्षा समीक्षाविद विनोद चोपड़ा ने आशा की एक और झप्पी दी है जादू इसे भी अधिक गंभीर है सी एन बी सी टी वी एटीन फिल्म की समीक्षा की और लिखा दृढ़ता की इस उल्लेखनीय कहानी के माध्यम से विक्रांत मैसी को शक्ति मिलती है पाँच में से चार स्टार दी और लिखा अतिशोक्तिपूर्ण नहीं लेकिन बारहवीं फेल बिल्कुल सही हो सकता है बारहवीं फेल को ठीक से देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है कहने की जरूरत नहीं है कि फिल्म के मूल में मानवीय बुनियादी सिद्धांतों का गहरा अभाव है विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पढ़ाई का बोझ पेचीदा सामाजिक गतिशीलता जीविका के लिए छोटी मोटी नौकरियों और भावनाओं का कच्चा बहाव शामिल है यह निर्दोष मनोज विक्रांत मैसी का एक मायावी अनुक्रम है जो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है और पाता है नीचे एक हिलती हुई जमीन ओन मनोरमा के साजेश मोहन ने अपनी समीक्षा में लिखा मानव क्षोत्रिय द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया साउंड स्केप मनोज के दर्द और खुशियों को बढ़ाता है जिस तरह से भीड़ भरे दृश्यों में भी मनोज और उसकी भावनाओं को अलग करने के लिए मानव अंदर और बाहर पृष्ठभूमि शोर का उपयोग और पुनः उपयोग करता है वह एक ध्यानपूर्वक फोकस जोड़ता है हालांकि ये उतने थोपे हुए नहीं हैं इनमें से कुछ क्षण गहरे असर छोड़ते हैं स्टीफन हॉपकिंग्स के समान रेस से प्रसिद्ध लॉकर रोम दृश्य जहां लैरी स्नाइडर जैसी ओवेंस को शोर को रोकना सिखाते हैं विक्रांत मैसी जन तीन अप्रैल उन्नीस एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और टेलीविजन से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही नेशनल कॉलेज मैसी ने अपने बिनने की शुरुआत धूम मचाओ धूम 2007 से की और टेलीविज़न धारावाहिकों में काम किया जैसे धर्मवीर 2008 बालिका वधू 2009 से 2010 और कबूल है 2013 मैसी ने फिल्मों में विस्तार किया लुटेरा 2013 दिल धड़कने दो में सहायक भूमिकाओं के साथ और हाफ गर्लफ्रेंड स्वतंत्र नाटक ए डेथ इन द गुंज जिसमें मैसी की प्रमुख भूमिका थी उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला इसके बाद वह जीवनी नाटक छपाक रोमांटिक कॉमेडी डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे में दिखाई दिए मिस्ट्री थ्रिलर हसीन दिलरुबा 2021 पारिवारिक ड्रामा रामप्रसाद की तैरवी 2021 और रोमांटिक थ्रिलर लव हॉस्टल 2022 मैसी की स्ट्रीमिंग श्रृंखला मिर्जापुर 2018 में भी प्रमुख भूमिकाएं थीं ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 2018 से 2019 और आपराधिक न्याय 2019 और मैं जीवनी पर आधारित फिल्म बारहवीं फेल 2023 जो स्वीपर हिट बनकर उभरी प्रारंभिक जीवन विक्रांत मैसी का जन्म अपने उनके माता पिता जौली और मीना से हुआ था प्रारंभिक जीवन मैसी का जन्म उनके माता पिता जौली और मीना से हुआ था एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित उनका जन्म और पालन पोषण उनके माता पिता ने नाग भीड़ में किया था महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक छोटा सा शहर उनका पालन पोषण रोमन में हुआ था कैथोलिक और उनका एक बड़ा भाई मोहसिन है उनका पैतृक परिवार ईसाई धर्म का पालन करता है और उनका मातृ परिवार सिख धर्म का पालन करता है मैसी की शैक्षिक पृष्ठभूमि में वर्सोवा में सेंट एंथोनी तो हाई स्कूल में पढ़ाई शामिल है और आगे की पढ़ाई से पूरी की गई आर डी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड बांद्रा मुंबई में विज्ञान एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित नर्तक होने के नाते उन्होंने 12 साल की उम्र में छोटे छोटे नृत्य और थिएटर प्रदर्शन के साथ मंच पर कदम रखा अपने शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपल के समर्थन और मार्गदर्शन से उन्होंने काफ़ी कम उम्र में प्रदर्शन कला को करियर विकल्प के रूप में चुना अपने खाली समय के दौरान वह यात्रा करना क्रिकेट खेलना और वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं करियर 2015 में मैसी मैसी एक प्रशिक्षित आधुनिक समकालीन या आधुनिक जैज डांसर भी है और उन्होंने श्याम अकडावर के साथ काम किया और अपने शो धूम मचाओ धूम में कोरियोग्राफर थे उन्होंने कलर्स टीवी पर टेलीविजन शो बालिका वधू में श्याम मदन सिंह की भूमिका निभाई एन डी टी इमेजिन जो प्रसारित नहीं हुआ कहाँ हूँ मैं स्टार प्लस धूम मचाओ धूम डिज्नी चैनल भारत उन्होंने भारती के पति मुरली के रूप में मुख्य भूमिका निभाई बाबा ऐसो वर ढूंढो ने भी अभिनय किया और सफल रही बाद में उन्होंने एनडी टी मैगजीन पर निखिल सिन्हा और राकेश पासवान की विवाह आनंद जिसमें विक्रांत ने जी टी श्रृंखला ऋषभ सिन्हा को रिप्लेस करने के बाद मैसी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू विक्रमादित्य मोटवानी लुटेरा से किया था 2013 हजार तेरह में रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा उनकी पहली मुख्य भूमिका कोंकणा सेन शर्मा की पहली निर्देशित फिल्म ए डेथ इन द गुंज फिल्म के साथ साथ उनके प्रदर्शन को भी आलोचकों की प्रशंसा मिली राजीव मसंत ने अपने प्रदर्शन को दिल छू लेने वाला बताया के लिए इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला यहाँ जतक देव कैडबरी फिनोलैक्स एल ई डी खजाना ज्वेल सैमसंग गैलेक्सी कॉरनेट और आइडिया फोर जी जैसे विभिन्न टेलीविजन विज्ञापनों का हिस्सा रहे हैं मैसी ने विभिन्न वेब श्रृंखलाओं में भी काम किया है जिनमें मिर्जापुर ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आपराधिक न्याय निर्देशक दिगमांशु धूलिया और विशाल फुरिया और के साथ जोड़ा गया था नेटफ्लिक्स और 9 सितंबर 2020 को प्रीमियर 2019 हज़ार फिल्म फेस्टिवल में स्पॉटलाइट सेक्शन के तहत किया गया कारगो आरती कदव द्वारा लिखित और निर्देशित है कार्गो नामक श्वेता त्रिपाठी साइंस फिक्शन फिल्म एक दिल्ली में मेड इन हेवन नामक एजेंसी चलाने वाले दो वेडिंग प्लानरों पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन 2020 में वैदिपिका पादुकोण मेघना गुलजार छप्पाक नवोदित पुनित खन्ना द्वारा निर्देशित गिनी वैट सनी में यामी गौतम के विपरीत दिखाई दी विनोद बच्चन द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई धर्म की भूमिका के साथ एक घरेलू नाम बन गए निजी जीवन मैसी पत्नी के साथ शीतल ठाकुर 2022 में मैसी और अभिनेत्री शीतल ठाकुर ने 2015 में डेटिंग शुरू की इससे पहले कि वे श्रृंखला में एक साथ अभिनय करते ब्रोकन लेकिन सुंदर 2018 मैसी और ठाकुर ने नवंबर 2019 में सगाई कर ली और 14 फरवरी 2022 को अपनी शादी का पंजीकरण कराया उनके वर्ष हुआ घर पर एक अंतरंग समारोह में 18 फरवरी 2022 को मैसी ने हिमाचल प्रदेश में एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में ठाकुर से शादी की अन्य कार्य और मीडिया छवि द इंडियन एक्सप्रेस की दीप्ति नागपाल ने डॉक्टर डी ने कहा कि मैसी ने हमेशा पसंद करने योग्य भूमिकाएं निभाई हैं टेलीविज़न धारावाहिकों में एशिया नेट न्यूज़ ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक कहा अपनी पीढ़ी की ओर आगे कहा अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने लगातार अपरम्परागत भूमिकाएं चुनी हैं जिन्होंने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी है आउटलुक इंडिया के प्रतीक सूर ने कहा जब विक्रांत इसे निभा रहे होते हैं तो कोई भी किरदार स्क्रीन पर अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रूप से जीत जाता हुआ मिलेगा एक कलाकार के रूप में उन्होंने हमेशा खुद को उचित ठहराया है फिल्म साथी ने कहा विक्रांत रहे हैं भूमिका के दायरे प्रकृति या लंबाई की परवाह किए बिना लगातार प्रगति की ओर हर प्रदर्शन से अपनी छाप छोड़ी मैसी लैंडस्कार्टेटो का जैसे ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडॉरसर है आईसीआईसीआई आई आई बैंक लॉन्ग लाइन्स और नेस कैफे प्रियांशु चटर्जी जन्म बीस फरवरी उन्नीस एक भारतीय अभिनेता और पूर्व मॉडल हैं अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने 2001 में तुम बिन हिंदी फिल्म में डेब्यू किया और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की उनके अन्य मान्यता प्राप्त कार्यों में शामिल है आपको पहले भी कहीं देखा है दिल का रिश्ता पिंजर भूतनाथ हेट स्टोरी तीन बादशाह और शिकारा करियर प्रियांशु चैटर्जी ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत डिग जैम के प्रिंट कैंपेन विल्स सिगरेट्स जैसे प्रोजेक्ट से की लेवी का और चार वर्ग इसके बाद वह उदित नारायण में नजर आए म्यूजिक वीडियो चैटर्जी ने अपने अभिनन करियर की शुरुआत तुम बिन से की एक रोमांटिक ड्रामा बॉलीवुड हंगामा ने तुम बिन की समीक्षा करते हुए चैटर्जी के बारे में लिखा प्रदर्शन प्रियांशु की भूमिका महत्वपूर्ण है और वह इसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं फिल्म की डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपने अगले प्रोजेक्ट में प्रियांशु चटर्जी से फैसले किए हैं जिसमें आपको पहले भी कहीं देखा है सह कलाकार साक्षी शिवानंद ओमपुरी और फरीदा जलाल उसी वर्ष उन्होंने दो और फिल्मों में अभिनय किया दिल का रिश्ता सह कलाकार ऐश्वर्या राय और दूसरी फिल्म है पिंजर बारहवीं फेल एक दो हजार तेईस भारतीय हिंदी भाषा जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म विदु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित लिखित और निर्देशित यह अनुराग पाठक की दो हज़ार उन्नीस की आनाम नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है जो मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी है जिन्होंने अत्यधिक गरीबी को पार कर भारतीय पुलिस सेवा फिल्म में विक्रांत मैसी है शीर्षक भूमिका मेघा शंकर के साथ अनंत वी जोशी अंशुमन पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी हैं 27 अक्टूबर 2023 को नाटक के रूप से रिलीज़ हुई बारहवीं फेल को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह स्लीपर हिट बनकर उभरी यूएस डॉलर 7.8 मिलियन से अधिक की कमाई यूएस डॉलर 2.5 मिलियन 20 करोड़ बासठ करोड़ दुनिया भर में प्लॉट डाकू से प्रभावित चंबल में जन्मे मनोज कुमार शर्मा एक ईमानदार क्लर्क के बारहवीं फेल बेटे और के पोते हैं सूबेदार पुलिस का जो कार्रवाई के दौरान शहीद हो गया उनके पिता और उनकी दादी दोनों सख्त भारतीय हैं और भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करते इस अटल विश्वास के कारण मनोज के पिता को एक भ्रष्ट अधिकारी को मारने के आरोप में निलंबित कर दिया जाता है मनोज अपनी कक्षा बारह की परीक्षा के लिए छोटे छोटे चिट बनाकर तैयारी करते हैं जैसा कि उनके सभी बैचमेट करते हैं क्योंकि यह स्कूल और स्थानीय विधायक द्वारा समर्थित एक मजबूत प्रणाली है जो निर्देश देता है कि सभी छात्रों को उत्तीर्ण होना चाहिए हालांकि मनोज की परीक्षा के दौरान नकल को नए डी ने रोक दिया जो विधायक की कॉल को नज़रअंदाज कर देता है जब हेडमास्टर उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लेता है परिणाम स्वरूप मनोज और बाकी सभी लोग बारहवीं बोर्ड परीक्षा में असफल हो जाते हैं इसी बीच उसके पिता अपने निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने चले जाते हैं और परिवार का बोझ मनोज और उसके भाई पर छोड़ देते हैं भाइयों ने एक कार रखने और शुल्क लेने का फैसला किया ताकि वह घर पर मदद कर सके मनोज के भाई को झूठे आरोपों में पकड़ लिया गया और भ्रष्ट अधिकारी उनके पिता को अपने वरिष्ठ को मारने के लिए दंडित करने के लिए उन्हें दोषी बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नए डीएसपी दुष्यंत सिंह उन्हें रोकते हैं जब मनोज यह सीखने का अनुरोध करता है कि वह दुष्यंत जैसा उच्च पदस्थ अधिकारी कैसे बने तो दुष्यंत उसे धोखाधड़ी बंद करने की सलाह देता है एक साल बाद मनोज ने बिना नकल किए बारहवीं कक्षा की परीक्षा तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण की और डीएसपी बनने के लिए बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का विकल्प चुना जब वह ग्वालियर के सरकारी पीएससी एस कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलता है तो उसकी दादी उसे अपनी सारी बचत दे देती है लेकिन जब वह ग्वालियर पहुंचता है तो वह चोरी हो जाती है ग्वालियर में उसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो पी एस सी की पढ़ाई करने आया था उनके पिता अब उन्हें दिल्ली में यू पी एस सी की पढ़ाई करने के लिए कहते हैं मनोज पढ़ाई और पढ़ाई के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है एक आई पी एस अधिकारी बने उसकी मुलाकात गौरी भैया से होती है जो परीक्षा पास करने के लिए अपने आखिरी प्रयास में है वह मनोज को नौकरी के अवसर और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराते हैं गौरी भैया के इंटरव्यू के नतीजे आते हैं और पता चलता है कि वह फेल हो गए यानी अब वह कभी भी आई अधिकारी नहीं बन पाएंगे आगे बढ़ने का निर्णय लेते हुए गौरी भैया ने रीस्टार्ट नाम से एक कोचिंग संस्थान और चाय की दुकान खोली और अपनी सेवाएँ निःशुल्क प्रदान करता है अगले वर्ष मनोज अपनी प्रारंभिक परीक्षा देता है लेकिन असफल हो जाता है गौरी भैया की मदद से वह अगले साल फिर से प्रारंभिक परीक्षा लेता है और उसे पास कर लेता है उसकी मुलाकात श्रद्धा जोशी से भी होती है जो पी कर रही है और उससे प्यार करने लगता है अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मनोज उस वर्ष भी अपनी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे फिर वह और भी अधिक मेहनत करने का फैसला करता है और प्रीतम बताते हैं कि मनोज बारह घंटे काम करते थे और पूरी रात पढ़ाई करते थे दिन में केवल तीन घंटे सोते थे वह फिर से प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है लेकिन मुख्य परीक्षा में फिर असफल हो जाता है वह घर लौटता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है अब निराश गौरी भैया मनोज को अपने घर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह छोटी मोटी नौकरियां करना छोड़ दे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दे वह ऐसा करता है ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मुख्य परीक्षा भी पास कर लेता है लगभग इसी समय प्रीतम जो बार बार सभी परीक्षाओं में असफल हो रहा था तो मनोज से ईर्ष्या होने लगती है और उसने श्रद्धा के पिता को झूठी रिपोर्ट दी कि श्रद्धा दिल्ली में मनोज के साथ सो रही थी इससे उनके रिश्ते में दरार आ जाती है लेकिन अंततः मामला सुलझ जाता है हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाते हैं उन्हें पहले ही एहसास हो जा गया था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहता है फिर भी उनके पिता उन पर यूपीएससी करने के लिए दबाव डाल रहे थे और उन्होंने प्रीतम को अपने पिता के खिलाफ खड़े होने की सलाह दी मनोज अपना इंटरव्यू देते हैं और सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं वह श्रद्धा द्वारा इसे लिखा गया एक पत्र पढ़ता है जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है वह खुशी खुशी इंटरव्यू देते हैं और मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं दो महीने बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो मनोज को एहसास हुआ कि उसने कक्षा में टॉप किया है और वह भावुक होकर रोने लगा एक साल बाद मनोज एक उच्च पदस्थ आई अधिकारी बन गए और मध्य प्रदेश के मंदसौर में डीएसपी दुष्यंत सिंह पुलिस स्टेशन में उनसे मिलने आए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद दिया मनोज ने उन्हें अपना विवाह निमंत्रण कार्ड देकर धोखाधड़ी करना शुरू छोड़ दिया और दोनों अपनी सफलता से खुश थे फिल्म समाप्त होती है जहाँ मनोज अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है आखिरकार क्रूर शिक्षा प्रणाली के ज्वार के खिलाफ जीत हासिल करता है उत्पादन विकास नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने ट्वेल्थ फेल उपन्यास पर आधारित फिल्म की घोषणा की अनुराग पाठक द्वारा यह फिल्म की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी कास्टिंग नवंबर 2022 में चोपड़ा ने घोषणा की कि अभिनेता विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका निभाएंगे जो उनके पहले सहयोग को चिन्हित करेगा यूपीएससी कोचिंग प्रोफेसर विकास दिव्य कीर्ति को स्क्रीन पर खुद का किरदार निभाने के लिए चुना गया था कई वास्तविक जीवन के यूपीएससी उम्मीदवारों को विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया था मैसी के अनुसार इसमें प्रमाणिकता शामिल हुई फिल्म के लिए फिल्मांकन की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल मसूरी और मुंबई फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दो शिक्षा केंद्रों राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया था फिल्मांकन दिसंबर में पूरा हो गया था रिलीज फिल्म का टीजर 10 अगस्त 2023 जार को जारी किया गया था ट्रेलर 3 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी हिंदी में सफलता के बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को तमिल भाषाएं और तीन नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी तेलुगु और रिसेप्शन बारहवीं फेल को आलोचकों की प्रशंसा मिली एन टीवी के मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा उन्होंने अपनी समीक्षा में कहा कि बारहवीं फेल न केवल उन कठिनाइयों और भावनाओं को समझने के लिए देखी जानी चाहिए जिनसे यूपीएससी के छात्र गुजरते हैं बल्कि यह हमारे सिस्टम में समग्र शिक्षा पर भी प्रकाश डालती है चोपड़ा ने इससे सबका दिल जीत लिया हिंदुस्तान टाइम्स ने पाँच में से चार स्टार दिए और फिल्म दिस इज द इंडिया स्टोरी की समीक्षा की मयंक शेखर मिड्डे के विचार उत्तेजक और मनोरंजक फिल्म है पटकथा द्वारा एक सचमुच सहानुभूतिपूर्ण कहानी तैयार की जाती है यह मनुष्य की यात्रा के उतार चढ़ाव से एक आखिरी हिस्से को नाटकीय रूप से निकालने के लिए किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची से बचाता है बारहवीं फेल ने में से साढ़े तीन स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी के जीवन का मूल चित्रण साइबल चटर्जी शुभ्रा गुप्ता द इंडियन एक्सप्रेस ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कि इसके बावजूद साउंड ट्रैक और मूड में छिटपुट उतार चढ़ाओ बारहवीं फेल ज्यादातर एक जमीनी हकीकत वाली फिल्म है जिसमें ऐसे किरदार हैं जो सड़क से भटक गए हैं और साथ घूम रहे हैं हम प्रेरणा से भरपूर जीवन के सबक साझा कर रहे हैं इसमें न केवल बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हैं बल्कि इसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं जो उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग सुविधाओं वाले लोकप्रिय क्षेत्रों में एकत्रित होते हैं इन लोगों की छवि जो अपने घरों से दूर छोटी छोटी जगहों में रहते हैं और परीक्षा पास करने और अपने स्वरूप को बदलने की कोशिश में दिन रात पढ़ाई करते हैं एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय कहानी है पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा विक्रांत मैसी ने परफॉर्मेंस शीट पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पास किया कि भावना अग्रवाल इंडिया टुडे के धवल रॉय ने पाँच में से चार स्टार दिए और अपनी समीक्षा में कहा कि बारहवीं फेल यह एक उत्कृष्ट फिल्म है जिसकी अत्यधिक अनुशंसा की जाती है इसके एक मिनट के लगभग हर दृश्य से आप प्रेरित और चकित महसूस करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए चोपड़ा को बधाई की फिल्म में प्रत्येक किरदार को अपना सर्वश्रेष्ठ मौका दिया जाए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने विक्रांत मैसी के प्रदर्शन की सराहना की और कहा हैश टैग उनचालीस यदि विक्रांत मैसी इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीतते हैं तो यह उस अभिनेता के साथ अन्याय होगा जिसने इतने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है दीपा गहलोत रेडिप डॉट कॉम द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा बारहवीं फेल फिल्म समीक्षा विदु विनोद चोपड़ा ने आशा की एक और झप्पी दी है जादू से भी अधिक गंभीर है सी एन बी सी टी वी एटीन फिल्म की समीक्षा की और लिखा दृढ़ता की इस उल्लेखनीय कहानी के माध्यम से विक्रांत मैसी को शक्ति मिलती है पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा तिशोक्तिपूर्ण नहीं लेकिन बारहवीं फेल बिल्कुल सही हो सकता है बारहवीं फेल को ठीक से देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है कहने की जरूरत नहीं है कि फिल्म के मूल में मानवीय बुनियादी सिद्धांतों का गहरा अभाव है विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पढ़ाई का बोझ पेचीदा सामाजिक गतिशीलता जीविका के लिए छोटी मोटी नौकरियाँ और भावनाओं का कच्चा बहाव शामिल है यह निर्दोष मनोज विक्रांत मैसी का एक मायावी अनुक्रम है जो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है और पाता है नीचे एक हिलती हुई जमीन ओन मनोरमा के साजिश मोहन ने अपनी समीक्षा में लिखा मानव क्षेत्रीय द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया साउंड स्केप मनोज के दर्द और खुशियों को बढ़ाता है जिस तरह से भीड़ भरे दृश्यों में भी मनोज और उसकी भावनाओं को अलग करने के लिए मानव अंदर और बाहर पृष्ठभूमि शोर का उपयोग और पुनः उपयोग करता है वह एक ध्यानपूर्वक फोकस जोड़ता है हालांकि ये उतने थोपे हुए नहीं हैं इनमें से कुछ क्षण गहरे असर छोड़ते हैं स्टीफन हॉपकिंग्स के समान रेस से प्रसिद्ध लॉकर रूम दृश्य जहाँ लैरी स्नाइडर जैसी ओवेंस को शोर को रोकना सिखाते हैं विक्रांत मैसी जन्म तीन अप्रैल उन्नीस सौ सतासी एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और टेलीविज़न से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डी नेशनल कॉलेज मैसी ने अपने अभिनय की शुरुआत धूम मचाओ धूम 2007 से की और टेलीविज़न धारावाहिकों में काम किया जैसे धर्मवीर दो हज़ार आठ बालिका वधू दो से दो और कबूल है दो मैसी ने फिल्मों में विस्तार किया लुटेरा 2013 दिल धड़कने दो में सहायक भूमिकाओं के साथ और हाफ गर्लफ्रेंड स्वतंत्र नाटक ए डेथ इन द गुंज जिसमें मैसी की प्रमुख भूमिका थी उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड साबित हुआ जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला इसके बाद वह जीवनी नाटक छपाक रोमांटिक कॉमेडी डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे में दिखाई दिए मिस्ट्री थ्रिलर हसीन दिलरुबा 2021 पारिवारिक ड्रामा राम प्रसाद की तेरहवीं 2021 और रोमांटिक थ्रिलर लव हॉस्टल 2022 हज़ार मैसिक स्ट्रीमिंग श्रृंखला मिर्जापुर 2018 में भी प्रमुख भूमिकाएं थी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 2018 से 2019 और आपराधिक न्याय 2019 और मैं जीवनी पर आधारित फिल्म बारहवीं फेल 2023 हज़ार पर हिट बनकर उभरी प्रारंभिक जीवन विक्रांत मैसी का जन्म अपने उनके माता पिता जॉली और मीना से हुआ था प्रारंभिक जीवन मैसी का जन्म उनके माता पिता जॉली और मीना से हुआ था एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित उनका जन्म और पालन पोषण उनके माता पिता ने नाग भीड़ में किया था महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक छोटा सा शहर उनका पालन पोषण रोमन में हुआ था कैथोलिक और उनका एक बड़ा भाई मोहसिन है उनका पैतृक परिवार ईसाई धर्म का पालन करता है और उनका मातृ परिवार सिख धर्म का पालन करता है मैसी की शैक्षिक पृष्ठभूमि में वर्सोवा में सेंट एंथोनी हाई स्कूल में पढ़ाई शामिल है और आगे की पढ़ाई से पूरी की गई आर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड बांद्रा मुंबई में विज्ञान एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित नर्तक होने के नाते उन्होंने 12 साल की उम्र में छोटे छोटे नृत्य और थिएटर प्रदर्शन के साथ मंच पर कदम रखा अपने शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपल के समर्थन और मार्गदर्शन से उन्होंने काफ़ी कम उम्र में प्रदर्शन कला को करियर विकल्प के रूप में चुना अपने खाली समय के दौरान वह यात्रा करना क्रिकेट खेलना और वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं करियर 2015 में मैसी मैसी एक प्रशिक्षित आधुनिक समकालीन या आधुनिक जैज डांसर भी है और उन्होंने श्याम अकडावर के साथ काम किया और अपने शो धूम मचाओ धूम में कोरियोग्राफर थे उन्होंने कलर्स टीवी पर टेलीविज़न शो बालिका वधू में श्याम मदन सिंह की भूमिका निभाई एन डी टी वी जो प्रसारित नहीं हुआ कहाँ हूँ मैं स्टार प्लस धूम मचाओ धूम डिज्नी चैनल भारत उन्होंने भारती के पति मुरली के रूप में मुख्य भूमिका निभाई बाबा ऐसो ओ वरढोंडो ने भी अभिनय किया और सफल रही बाद में उन्होंने एन डी टी वी मैगजीन पर निखिल सिन्हा और राकेश पासवान की विवाह आनंद जिसमें विक्रांत ने जी टी वी श्रृंखला ऋषभ सिन्हा को रिप्लेस करने के बाद मैसी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू विक्रमादित्य मोटवानी लुटेरा से किया था दो हजार तेरह में रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा उनकी पहली मुख्य भूमिका कोंकणा सेन शर्मा की पहली निर्देशित फिल्म ए डेथ इन द गुंज फिल्म के साथ साथ उनके प्रदर्शन को भी आलोचकों की प्रशंसा मिली राजीव मसन ने अपने प्रदर्शन को दिल छू लेने वाला बताया के लिए इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला यह जतक देव कैडबरी फिनोलैक्स एल ई डी नेस खजाना ज्वेल सैमसंग गैलेक्सी कॉर्नेट और आइडिया फोर जी जैसे विभिन्न टेलीविज़न विज्ञापनों का हिस्सा रहे हैं मैसी ने विभिन्न वेब श्रृंखलाओं में भी काम किया है जिनमें मिर्जापुर ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, आपराधिक न्याय निर्देशक हिगमांशु धूलिया और विशाल फुरिया और के साथ जोड़ा गया था नेटफ्लिक्स और 9 सितंबर 2020 को प्रीमियर 2019 हज़ार एम आई फिल्म फेस्टिवल में स्पॉटलाइट सेक्शन के तहत किया गया कार्गो आरती कदव द्वारा लिखित और निर्देशित है कार्गो नामक श्वेता त्रिपाठी साइंस फिक्शन फिल्म एक दिल्ली में मेड इन हैवन नामक एजेंसी चलाने वाले दो वेडिंग प्लानरों पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हैवन 2020 में वैदिपिका पादुकोण मेघना गुलजार छप्पाक नवोदित पुनित खन्ना द्वारा निर्देशित गिनी वैट सनी में यामी गौतम के विपरीत दिखाई दी विनोद बच्चन द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई धर्म की भूमिका के साथ एक घरेलू नाम बन गए निजी जीवन मैसी पत्नी के साथ शीतल ठाकुर 2022 में मैसी और अभिनेत्री शीतल ठाकुर ने 2015 में डेटिंग शुरू की इससे पहले कि वे श्रृंखला में एक साथ अभिनय करते ब्रोकन लेकिन सुंदर 2018 मैसी और ठाकुर ने नवंबर 2019 में सगाई कर ली और 14 फरवरी 2022 को अपनी शादी का पंजीकरण कराया उनके वर्ष घर पर एक अंतरंग समारोह में 18 फरवरी 2022 को मैसी ने हिमाचल प्रदेश में एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में ठाकुर से शादी की अन्य कार्य और मीडिया छवि द इंडियन एक्सप्रेस की दीप्ति नागपाल ने डॉक्टर डी जुसुजा ने कहा कि मैसी ने हमेशा पसंद करने योग्य भूमिकाएं निभाई हैं टेलीविज़न धारावाहिकों में एशिया नट न्यूज़ ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक कहा अपने पीढ़ी की ओर आगे कहा अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने लगातार अपरम्परागत भूमिकाएं चुनी हैं जिन्होंने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी है आउटलुक इंडिया के प्रतीक सूर ने कहा जब विक्रांत इसे निभा रहे होते हैं तो कोई भी किरदार स्क्रीन पर अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रूप से जीत जाता हुआ मिलेगा एक कलाकार के रूप में उन्होंने हमेशा खुद को उचित ठहराया है फिल्म साथी ने कहा विक्रांत रहे हैं भूमिका के दायरे प्रकृति या लंबाई की परवाह किए बिना लगातार प्रगति की ओर हर प्रदर्शन से अपनी छाप छोड़ी मैसी कार्नेटो का जैसे ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडॉर्सर हैं आईसीआईसीआई आई बैंक लॉन्ग लाइन्स और नेस कैफे प्रियांशु चटर्जी जन्म बीस फरवरी उन्नीस एक भारतीय अभिनेता और पूर्व मॉडल हैं अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने 2001 में तुम बिन हिंदी फिल्म में डेब्यू किया और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की उनके अन्य मान्यता प्राप्त कार्यों में शामिल है आपको पहले भी कहीं देखा है दिल का रिश्ता पिंजर भूतनाथ हेट स्टोरी तीन बादशाहों और शिकारा करियर प्रियांशु चैटर्जी ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत डेक जैम के प्रिंट कैंपेन वेल्स सिगरेट्स जैसे प्रोजेक्ट से की लेविका और चार वर्ग इसके बाद वह उदित नारायण में नजर आए म्यूजिक वीडियो चैटर्जी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तुम बिन से की एक रोमांटिक ड्रामा बॉलीवुड हंगामा ने तुम बिन की समीक्षा करते हुए चैटर्जी के बारे में लिखा प्रदर्शन प्रियांशु की भूमिका महत्वपूर्ण है और वह इसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं फिल्म की डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपने अगले प्रोजेक्ट में प्रियांशु चटर्जी से फैसले किए हैं जिसमें आपको पहले भी कहीं देखा है सह कलाकार साक्षी शिवानंद ओमपुरी और फरीदा जलाल उसी वर्ष उन्होंने दो और फिल्मों में अभिनय किया दिल का रिश्ता सह कलाकार ऐश्वर्या राय और दूसरी फिल्म है पिंजर बारहवीं फेल एक दो हजार तेईस भारतीय हिंदी भाषा जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म विदु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित लिखित और निर्देशित यह अनुराग पाठक की दो हज़ार उन्नीस की आनाम नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है जो मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी है जिन्होंने अत्यधिक गरीबी को पार कर भारतीय पुलिस सेवा फिल्म में विक्रांत मैसी है शीर्षक भूमिका मेघा शंकर के साथ अनंत वी जोशी अंशुमन पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी हैं सत्ताईस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को नाटके रूप से रिलीज़ हुई बारहवीं फेल को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह स्लीपर हिट बनकर उभरी यूएस डॉलर सात पॉइंट आठ मिलियन से अधिक की कमाई यूएस डॉलर दो पॉइंट पाँच मिलियन बीस करोड़ बासठ करोड़ दुनिया भर में प्लॉट डाकू से प्रभावित चंबल में जन्मे मनोज कुमार शर्मा एक ईमानदार क्लर्क के बारहवीं फेल बेटे और के पोते हैं सूबेदार पुलिस का जो कार्रवाई के दौरान शहीद हो गया उनके पिता और उनकी दादी दोनों सख्त भारतीय हैं और भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करते इस अटल विश्वास के कारण मनोज के पिता को एक भ्रष्ट अधिकारी को मारने के आरोप में निलंबित कर दिया जाता है मनोज अपनी कक्षा बारह की परीक्षा के लिए छोटे छोटे चिट बनाकर तैयारी करते हैं जैसा कि उनके सभी बैचमेट करते हैं क्योंकि यह स्कूल और स्थानीय विधायक द्वारा समर्थित एक मजबूत प्रणाली है जो निर्देश देता है कि सभी छात्रों को उत्तीर्ण होना चाहिए हालांकि मनोज की परीक्षा के दौरान नकल को नए डीएसपी ने रोक दिया जो विधायक की कॉल को नज़रअंदाज कर देता है जब हेडमास्टर उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लेता है परिणाम स्वरूप मनोज और बाकी सभी लोग बारहवीं बोर्ड परीक्षा में असफल हो जाते हैं इसी बीच उसके पिता अपने निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने चले जाते हैं और परिवार का बोझ मनोज और उसके भाई पर छोड़ देते हैं भाइयों ने एक यात्राकार रखने और शुल्क लेने का फैसला किया ताकि वह घर पर मदद कर सके मनोज के भाई को झूठे आरोपों में पकड़ लिया गया और भ्रष्ट अधिकारी उनके पिता को अपने वरिष्ठ को मारने के लिए दंडित करने के लिए उन्हें दोषी बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नए डीएसपी एस दुष्यंत सिंह उन्हें रोकते हैं जब मनोज यह सीखने का अनुरोध करता है कि वह दुष्यंत जैसा उच्च पदस्थ अधिकारी कैसे बने तो दुष्यंत उसे धोखाधड़ी बंद करने की सलाह देता है एक साल बाद मनोज ने बिना नकल किए बारहवीं कक्षा की परीक्षा तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण की और डीएसपी बनने के लिए बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का विकल्प चुना जब वह ग्वालियर के सरकारी पीएससी एस कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलता है तो उसकी दादी उसे अपनी सारी बचत दे देती है लेकिन जब वह ग्वालियर पहुंचता है तो वह चोरी हो जाती है ग्वालियर में उसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो पी एस सी की पढ़ाई करने आया था उनके पिता अब उन्हें दिल्ली में यू पी एस सी की पढ़ाई करने के लिए कहते हैं मनोज पढ़ाई और पढ़ाई के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है एक आई पी एस अधिकारी बने उसकी मुलाकात गौरी भैया से होती है जो परीक्षा पास करने के लिए अपने आखिरी प्रयास में है वह मनोज को नौकरी के अवसर और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराते हैं गौरी भैया के इंटरव्यू के नतीजे आते हैं और पता चलता है कि वह फेल हो गए यानी अब वह कभी भी आईपीएस अधिकारी नहीं बन पाएंगे आगे बढ़ने का निर्णय लेते हुए गौरी भैया ने रीस्टार्ट नाम से एक कोचिंग संस्थान और चाय की दुकान खोली और अपनी सेवाएँ को प्रदान करता है अगले वर्ष मनोज अपनी प्रारंभिक परीक्षा देता है लेकिन असफल हो जाता है गौरी भैया की मदद से वह अगले साल फिर से प्रारंभिक परीक्षा लेता है और उसे पास कर लेता है उसकी मुलाकात श्रद्धा जोशी से भी होती है जो पी कर रही है और उससे प्यार करने लगता है अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मनोज उस वर्ष भी अपनी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे फिर वह और भी अधिक मेहनत करने का फ़ैसला करता है और प्रीतम बताते हैं कि मनोज बारह घंटे काम करते थे और पूरी रात पढ़ाई करते थे दिन में केवल तीन घंटे सोते थे वह फिर से प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है लेकिन मुख्य परीक्षा में फिर असफल हो जाता है वह घर लौटता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है अब निराश गौरी भैया मनोज को अपने घर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह छोटी मोटी नौकरियां करना छोड़ दे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दे वह ऐसा करता है ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मुख्य परीक्षा भी पास कर लेता है लगभग इसी समय प्रीतम जो बार बार सभी परीक्षाओं में असफल हो रहा था को मनोज से ईर्ष्या होने लगती है और उसने श्रद्धा के पिता को झूठी रिपोर्ट दी कि श्रद्धा दिल्ली में मनोज के साथ सो रही थी इससे उनके रिश्ते में दरार आ जाती है लेकिन अंततः मामला सुलझ जाता है हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाते हैं उन्हें पहले ही एहसास हो जा गया था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहता है फिर भी उनके पिता उन पर यूपीएससी करने के लिए दबाव डाल रहे थे और उन्होंने प्रीतम को अपने पिता के ख़िलाफ़ खड़े होने की सलाह दी मनोज अपना इंटरव्यू देते हैं और सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं वह श्रद्धा द्वारा इसे लिखा गया एक पत्र पढ़ता है जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है वह खुशी खुशी इंटरव्यू देते हैं और मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं दो महीने बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो मनोज को एहसास हुआ कि उसने कक्षा में टॉप किया है और वह भावुक होकर रोने लगा एक साल बाद मनोज एक उच्च पदस्थ आई अधिकारी बन गए और मध्य प्रदेश के मंदसौर में डीएसपी एस दुष्यंत सिंह पुलिस स्टेशन में उनसे मिलने आए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद दिया मनोज ने उन्हें अपना विवाह निमंत्रण कार्ड देकर धोखाधड़ी करना शुरू छोड़ दिया और दोनों अपनी सफलता से खुश थे फिल्म समाप्त होती है जहाँ मनोज अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है आखिरकार क्रूर शिक्षा प्रणाली के ज्वार के खिलाफ जीत हासिल करता है उत्पादन विकास नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने ट्वेल्थ फेल उपन्यास पर आधारित फिल्म की घोषणा की अनुराग पाठक द्वारा यह फिल्म की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी कास्टिंग नवंबर 2022 में चोपड़ा ने घोषणा की कि अभिनेता विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका निभाएंगे जो उनके पहले सहयोग को चिन्हित करेगा यूपीएससी कोचिंग प्रोफेसर विकास दिव्य कीर्ति को स्क्रीन पर खुद का किरदार निभाने के लिए चुना गया था कई वास्तविक जीवन के यूपीएससी उम्मीदवारों को विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया था मैसी के अनुसार इसमें प्रामाणिकता शामिल हुई फिल्म के लिए फिल्मांकन की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल मसूरी और मुंबई फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दो शिक्षा केंद्रों राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया था फिल्मांकन दिसंबर में पूरा हो गया था रिलीज फिल्म का टीजर दस अगस्त दो जार को जारी किया गया था ट्रेलर तीन अक्टूबर दो जार को जारी किया गया था फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी हिंदी में सफलता के बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को तमिल भाषाएं और तीन नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी तेलुगु और रिसेप्शन बारहवीं फेल को आलोचकों की प्रशंसा मिली एन डी टी वी के मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा उन्होंने अपनी समीक्षा में कहा कि बारहवीं फेल न केवल उन कठिनाइयों और भावनाओं को समझने के लिए देखी जानी चाहिए जिनसे यूपीएससी के छात्र गुजरते हैं बल्कि यह हमारे सिस्टम में समग्र शिक्षा पर भी प्रकाश डालती है चोपड़ा ने इससे सबका दिल जीत लिया हिंदुस्तान टाइम्स ने पाँच में से चार स्टार दिए और फिल्म दिस इज़ द इंडिया स्टोरी की समीक्षा की मयंक शेखर मिड्डे के विचार उत्तेजक और मनोरंजक फिल्म है पटकथा द्वारा एक सचमुच सहानुभूतिपूर्ण कहानी तैयार की जाती है यह मनुष्य की यात्रा के उतार चढ़ाव से एक आखिरी हिस्से को नाटकीय रूप से निकालने के लिए किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची से बचाता है बारहवीं फेल ने पांच में से साढ़े तीन स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी के जीवन का मूल चित्रण साइबल चटर्जी शुभ्रा गुप्ता द इंडियन एक्सप्रेस ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कि इसके बावजूद साउंड ट्रैक और मूड में छिटपुट उतार चढ़ाव बारहवीं फेल ज़्यादातर एक ज़मीनी हकीकत वाली फिल्म है जिसमें ऐसे किरदार हैं जो सड़क से भटक गए हैं और साथ घूम रहे हैं हम प्रेरणा से भरपूर जीवन के सबक साझा कर रहे हैं इसमें ना केवल बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हैं बल्कि इसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं जो उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग सुविधाओं वाले लोकप्रिय क्षेत्रों में एकत्रित होते हैं इन लोगों की छवि जो अपने घरों से दूर छोटी छोटी जगहों में रहते हैं और परीक्षा पास करने और अपने स्वरूप को बदलने की कोशिश में दिन रात पढ़ाई करते हैं एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय कहानी है पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा विक्रांत मैसी ने परफॉर्मेंस शीट पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पास किया कि भावना अग्रवाल इंडिया टुडे के धवल रॉय ने पाँच में से चार स्टार दिए और अपनी समीक्षा में कहा कि बारहवीं फेल ही एक उत्कृष्ट फिल्म है जिसकी अत्यधिक अनुशंसा की जाती है इसके एक मिनट के लगभग हर दृश्य से आप प्रेरित और चकित महसूस करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए चोपड़ा को बधाई की फिल्म में प्रत्येक किरदार को अपना सर्वश्रेष्ठ मौका दिया जाए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने विक्रांत मैसी के प्रदर्शन की सराहना की और कहा हैश टैग उनचालीस यदि विक्रांत मैसी इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीतते हैं तो यह उस अभिनेता के साथ अन्याय होगा जिसने इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है दीपा गहलोत रेडिप डॉट कॉम द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा बारहवीं फेल फिल्म समीक्षा समीक्षाविद विनोद चोपड़ा ने आशा की एक और झप्पी दी है जादू इसे भी अधिक गंभीर है सी एन बी सी टी वी एटीन फिल्म की समीक्षा की और लिखा दृढ़ता की इस उल्लेखनीय कहानी के माध्यम से विक्रांत मैसी को शक्ति मिलती है पाँच में से चार स्टार दी और लिखा अतिशोक्तिपूर्ण नहीं लेकिन बारहवीं फेल बिल्कुल सही हो सकता है बारहवीं फेल को ठीक से देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है कहने की जरूरत नहीं है कि फिल्म के मूल में मानवीय बुनियादी सिद्धांतों का गहरा अभाव है विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पढ़ाई का बोझ पेचीदा सामाजिक गतिशीलता जीविका के लिए छोटी मोटी नौकरियाँ और भावनाओं का कच्चा बहाव शामिल है यह निर्दोष मनोज विक्रांत मैसी का एक मायावी अनुक्रम है जो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है और पाता है नीचे एक हिलती हुई जमीन ओन मनोरमा के साजेश मोहन ने अपनी समीक्षा में लिखा मानव क्षोत्रिय द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया साउंड स्केप मनोज के दर्द और खुशियों को बढ़ाता है जिस तरह से भीड़ भरे दृश्यों में भी मनोज और उसकी भावनाओं को अलग करने के लिए मानव अंदर और बाहर पृष्ठभूमि शोर का उपयोग और पुनः उपयोग करता है वह एक ध्यानपूर्वक फोकस जोड़ता है हालांकि ये उतने थोपे हुए नहीं हैं इनमें से कुछ क्षण गहरे असर छोड़ते हैं स्टीफन हॉपकिंग्स के समान रेस से प्रसिद्ध लॉकर रोम दृश्य जहां लैरी स्नाइडर जैसी ओवेंस को शोर को रोकना सिखाते हैं विक्रांत मैसी जन तीन अप्रैल उन्नीस एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और टेलीविजन से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही नेशनल कॉलेज मैसी ने अपने बनने की शुरुआत धूम मचाओ धूम 2007 से की और टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया जैसे धर्मवीर 2008 बालिका वधू 2009 से 2010 और को और है 2013 मैसी ने फिल्मों में विस्तार किया लुटेरा 2013 दिल धड़कने दो में सहायक भूमिकाओं के साथ और हाफ गर्लफ्रेंड स्वतंत्र नाटक ए डेथ इन द गुंज जिसमें मैसी की प्रमुख भूमिका थी उनके करियर में एक महत्वपूर्ण तो मोड़ साबित हुआ जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला इसके बाद वह जीवनी नाटक छपाक रोमांटिक कॉमेडी डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे में दिखाई दिए मिस्ट्री थ्रिलर हसीन दिलरुबा 2021 पारिवारिक ड्रामा राम प्रसाद की तैरवी 2021 और रोमांटिक थ्रिलर लव हॉस्टल 2022 मैसी की स्ट्रीमिंग श्रृंखला मिर्जापुर 2018 में भी प्रमुख भूमिकाएं थीं ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 2018 से 2019 और आपराधिक न्याय 2019 और मैं जीवनी पर आधारित फिल्म बारहवीं फेल 2023 हज़ार जो पर हिट बनकर उभरी प्रारंभिक जीवन विक्रांत मैसी का जन्म अपने उनके माता पिता जौली और मीना से हुआ था प्रारंभिक जीवन मैसी का जन्म उनके माता पिता जौली और मीना से हुआ था एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित उनका जन्म और पालन पोषण उनके माता पिता ने नाग भीड़ में किया था महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक छोटा सा शहर उनका पालन पोषण रोमन में हुआ था कैथोलिक और उनका एक बड़ा भाई मोहसिन है उनका पैतृक परिवार ईसाई धर्म का पालन करता है और उनका मातृ परिवार सिख धर्म का पालन करता है मैसी की शैक्षिक पृष्ठभूमि में वर्सोवा में सेंट एंथोनी हाई स्कूल में पढ़ाई शामिल है और आगे की पढ़ाई से पूरी की गई आर डी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड मुंबई में विज्ञान एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित नर्तक होने के नाते उन्होंने 12 साल की उम्र में छोटे छोटे नृत्य और थिएटर प्रदर्शन के साथ मंच पर कदम रखा अपने शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपल के समर्थन और मार्गदर्शन से उन्होंने काफ़ी कम उम्र में प्रदर्शन कला को करियर विकल्प के रूप में चुना अपने खाली समय के दौरान वह यात्रा करना क्रिकेट खेलना और वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं करियर 2015 में मैसी वैसी एक प्रशिक्षित आधुनिक समकालीन या आधुनिक जैज डांसर भी है और उन्होंने श्याम अकडावर के साथ काम किया और अपने शो धूम मचाओ धूम में कोरियोग्राफर थे उन्होंने कलर्स टीवी पर टेलीविज़न शो बालिका वधू में श्याम मदन सिंह की भूमिका निभाई एन डी टी जो प्रसारित नहीं हुआ कहाँ हूँ मैं स्टार प्लस धूम मचाओ धूम डिज्नी चैनल भारत उन्होंने भारती के पति मुरली के रूप में मुख्य भूमिका निभाई बाबा ऐसो वर ढूंढो ने भी अभिनय किया और सफल रही बाद में उन्होंने एनडी टी वी मैगजीन पर निखिल सिन्हा और राकेश पासवान की विभा आनंद जिसमें विक्रांत ने जी टी वी श्रृंखला ऋषभ सिन्हा को रिप्लेस करने के बाद मैसी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू विक्रमादित्य मोटवानी लुटेरा से किया था दो हजार तेरह में रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा उनकी पहली मुख्य भूमिका कोंकणा सेन शर्मा की पहली निर्देशित फिल्म ए डेथ इन द गुंज फिल्म के साथ साथ उनके प्रदर्शन को भी आलोचकों की प्रशंसा मिली राजीव मसंत ने अपने प्रदर्शन को दिल छू लेने वाला बताया के लिए इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला यह जतक देव कैडबरी फिनोलैक्स एल ई डी खजाना ज्वेल सैमसंग गैलेक्सी कॉरनेट और आइडिया फोर जी जैसे विभिन्न टेलीविजन विज्ञापनों का हिस्सा रहे हैं मैसी ने विभिन्न वेब श्रृंखलाओं में भी काम किया है जिनमें मिर्जापुर ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आपराधिक न्याय निर्देशक दिग्वानशु धुलिया और विशाल फुरिया और के साथ जोड़ा गया था नेटफ्लिक्स और 9 सितंबर 2020 को प्रीमियर 2019 हजार फिल्म फेस्टिवल में स्पॉटलाइट सेक्शन के तहत किया गया कार्गो आरती कदव द्वारा लिखित तो और निर्देशित है कार्गो नामक श्वेता त्रिपाठी साइंस फिक्शन फिल्म एक दिल्ली में, में मेड इन हेवन नामक एजेंसी चलाने वाले दो वेडिंग प्लानरों पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन 2020 में वैदीपिका पादुकोण मेघना गुलजार छप्पाक नवोदित पुनित खन्ना द्वारा निर्देशित गिनी वैट सनी में यामी गौतम के विपरीत दिखाई दी विनोद बच्चन द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई धर्म की भूमिका के साथ एक घरेलू नाम बन गए निजी जीवन मैसी पत्नी के साथ शीतल ठाकुर 2022 में मैसी और अभिनेत्री शीतल ठाकुर ने 2015 में डेटिंग शुरू की इससे पहले कि वे श्रृंखला में एक साथ अभिनय करते ब्रोकन लेकिन सुंदर 2018 मैसी और ठाकुर ने नवंबर 2019 में सगाई कर ली और 14 फरवरी 2022 को अपनी शादी का पंजीकरण कराया उनके वर्ष घर पर एक अंतरंग समारोह में 18 फरवरी 2022 को मैसी ने हिमाचल प्रदेश में एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में ठाकुर से शादी की अन्य कार्य और मीडिया छवि द इंडियन एक्सप्रेस की दीप्ति नागपाल ने डॉक्टर डी ने कहा कि मैसी ने हमेशा पसंद करने योग्य भूमिकाएं निभाई हैं टेलीविज़न धारावाहिकों में एशिया नेट न्यूज़ ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक कहा अपने पीढ़ी की ओर आगे कहा अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने लगातार अपरम्परागत भूमिकाएँ चुनी हैं जिन्होंने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी है आउटलुक इंडिया के प्रतीक सूर ने कहा जब विक्रांत इसे निभा रहे होते हैं तो कोई भी किरदार स्क्रीन पर अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रूप से जीत जाता हुआ मिलेगा एक कलाकार के रूप में उन्होंने हमेशा खुद को उचित ठहराया है फिल्म साथी ने कहा विक्रांत रहे हैं भूमिका के दायरे प्रकृति या लंबाई की परवाह किए बिना लगातार प्रगति की ओर हर प्रदर्शन से अपनी छाप छोड़ी मैसी कार्नेटो का जैसे ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडॉरसर है आईसीआईसीआई आई आई बैंक लॉन्ग लाइन्स और नेस कैफे प्रियांशु चटर्जी जन्म बीस फरवरी उन्नीस एक भारतीय अभिनेता और पूर्व मॉडल हैं अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने 2001 में तुम बिन हिंदी फिल्म में डेब्यू किया और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की उनके अन्य मान्यता प्राप्त कार्यों में शामिल है आपको पहले भी कहीं देखा है दिल का रिश्ता पिंजर भूतनाथ हेट स्टोरी तीन बादशाह और शिकारा करियर प्रियांशु चैटर्जी ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत डेग जैम के प्रिंट कैंपेन वेल्स सिगरेट्स जैसे प्रोजेक्ट से की लेवी का और चार वर्ग इसके बाद वह उदित नारायण में नजर आए म्यूजिक वीडियो चैटर्जी ने अपने भिन्न करियर की शुरुआत तुम बिन से की एक रोमांटिक ड्रामा बॉलीवुड हंगामा ने तुम बिन की समीक्षा करते हुए चैटर्जी के बारे में लिखा प्रदर्शन प्रियांशु की भूमिका महत्वपूर्ण है और वह इसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं फिल्म की डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपने अगले प्रोजेक्ट में प्रियांशु चटर्जी से फैसले किए हैं जिसमें आपको पहले भी कहीं देखा है सह कलाकार साक्षी शिवानंद ओमपुरी और फरीदा जलाल उसी वर्ष उन्होंने दो और फिल्मों में अभिनय किया दिल का रिश्ता सह कलाकार ऐश्वर्या राय और दूसरी फिल्म है पिंजर बारहवीं फेल एक दो हजार तेईस भारतीय हिंदी भाषा जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म विदु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित लिखित और निर्देशित यह अनुराग पाठक की दो हज़ार उन्नीस की आनाम नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है जो मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी है जिन्होंने अत्यधिक गरीबी को पार कर भारतीय पुलिस सेवा फिल्म में विक्रांत मैसी है शीर्षक भूमिका मेघा शंकर के साथ अनंत वी जोशी अंशुमन पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी हैं सत्ताईस अक्टूबर 2023 को तेईस के रूप से रिलीज़ हुई बारवीं फेल को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह स्लीपर हिट बनकर उभरी यूएस डॉलर 7.8 मिलियन से अधिक की कमाई यूएस डॉलर 2.5 मिलियन 20 करोड़ बासठ करोड़ दुनिया भर में प्लॉट डाकू से प्रभावित चंबल में जन्मे मनोज कुमार शर्मा एक ईमानदार क्लर्क के बारवी फेल बेटे और के पोते हैं सूबेदार पुलिस का जो कार्रवाई के दौरान शहीद हो गया उनके पिता और उनकी दादी दोनों सख्त भारतीय हैं और भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करते इस अटल विश्वास के कारण मनोज के पिता को एक भ्रष्ट अधिकारी को मारने के आरोप में निलंबित कर दिया जाता है मनोज अपनी कक्षा बारह की परीक्षा के लिए छोटे छोटे चिट बनाकर तैयारी करते हैं जैसा कि उनके सभी बैचमेट करते हैं क्योंकि यह है? स्कूल और स्थानीय विधायक द्वारा समर्थित एक मजबूत प्रणाली है जो निर्देश देता है कि सभी छात्रों को उत्तीर्ण होना चाहिए हालांकि मनोज की परीक्षा के दौरान नकल को नए डीएसपी ने रोक दिया जो विधायक की कॉल को नज़रअंदाज कर देता है जब हेडमास्टर उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लेता है परिणाम स्वरूप मनोज और बाकी सभी लोग बारहवीं बोर्ड परीक्षा में असफल हो जाते हैं इसी बीच उसके पिता अपने निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने चले जाते हैं और परिवार का बोझ मनोज और उसके भाई पर छोड़ देते हैं भाइयों ने एक यात्राकार रखने और शुल्क लेने का फैसला किया ताकि वह घर पर मदद कर सके मनोज के भाई को झूठे आरोपों में पकड़ लिया गया और भ्रष्ट अधिकारी उनके पिता को अपने वरिष्ठ को मारने के लिए दंडित करने के लिए उन्हें दोषी बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नए डीएसपी दुष्यंत सिंह उन्हें रोकते हैं जब मनोज यह सीखने का अनुरोध करता है कि वह दुष्यंत जैसा उच्च पदस्थ अधिकारी कैसे बने तो दुष्यंत उसे धोखाधड़ी बंद करने की सलाह देता है एक साल बाद मनोज ने बिना नकल किए बारहवीं कक्षा की परीक्षा तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण की और डीएसपी बनने के लिए बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का विकल्प चुना जब वह ग्वालियर के सरकारी पीएससी एस कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलता है तो उसकी दादी उसे अपनी सारी बचत दे देती है लेकिन जब वह ग्वालियर पहुंचता है तो वह चोरी हो जाती है ग्वालियर में उसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो पी एस सी की पढ़ाई करने आया था उनके पिता अब उन्हें दिल्ली में यू पी एस सी की पढ़ाई करने के लिए कहते हैं मनोज पढ़ाई और पढ़ाई के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है एक आई पी एस अधिकारी बने उसकी मुलाकात गौरी भैया से होती है जो परीक्षा पास करने के लिए अपने आखिरी प्रयास में है वह मनोज को नौकरी के अवसर और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराते हैं गौरी भैया के इंटरव्यू के नतीजे आते हैं और पता चलता है कि वह फेल हो गए यानी अब वह कभी भी आई अधिकारी नहीं बन पाएंगे आगे बढ़ने का निर्णय लेते हुए गौरी भैया ने रीस्टार्ट नाम से एक कोचिंग संस्थान और चाय की दुकान खोली और अपनी सेवाएँ निःशुल्क प्रदान करता है अगले वर्ष मनोज अपनी प्रारंभिक परीक्षा देता है लेकिन असफल हो जाता है गौरी भैया की मदद से वह अगले साल फिर से प्रारंभिक परीक्षा लेता है और उसे पास कर लेता है उसकी मुलाकात श्रद्धा जोशी से भी होती है जो पी कर रही है और उससे प्यार करने लगता है अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मनोज उस वर्ष भी अपनी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे फिर वह और भी अधिक मेहनत करने का फैसला करता है और प्रीतम बताते हैं कि मनोज बारह घंटे काम करते थे और पूरी रात पढ़ाई करते थे दिन में केवल तीन घंटे सोते थे वह फिर से प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है लेकिन मुख्य परीक्षा में फिर असफल हो जाता है वह घर लौटता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है अब निराश गौरी भैया मनोज को अपने घर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह छोटी मोटी नौकरियां करना छोड़ दे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दे वह ऐसा करता है और ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मुख्य परीक्षा भी पास कर लेता है लगभग इसी समय प्रीतम जो बार बार सभी परीक्षाओं में असफल हो रहा था को मनोज से ईर्ष्या होने लगती है और उसने श्रद्धा के पिता को झूठी रिपोर्ट दी कि श्रद्धा दिल्ली में मनोज के साथ सो रही थी इससे उनके रिश्ते में दरार आ जाती है लेकिन अंततः मामला सुलझ जाता है हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाते हैं उन्हें पहले ही एहसास हो जा गया था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहता है फिर भी उनके पिता उन पर यूपीएससी करने के लिए दबाव डाल रहे थे और उन्होंने प्रीतम को अपने पिता के खिलाफ खड़े होने की सलाह दी मनोज अपना इंटरव्यू देते हैं और सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं वह श्रद्धा द्वारा इसे लिखा गया एक पत्र पढ़ता है जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है वह खुशी खुशी इंटरव्यू देते हैं और मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं दो महीने बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो मनोज को एहसास हुआ कि उसने कक्षा में टॉप किया है और वह भावुक होकर रोने लगा एक साल बाद मनोज एक उच्च पदस्थ आई अधिकारी बन गए और मध्य प्रदेश के मंदसौर में डीएसपी दुष्यंत सिंह पुलिस स्टेशन में उनसे मिलने आए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद दिया मनोज ने उन्हें अपना विवाह निमंत्रण कार्ड देकर धोखाधड़ी करना शुरू छोड़ दिया और दोनों अपनी सफलता से खुश थे फिल्म समाप्त होती है जहाँ मनोज अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है आखिरकार क्रूर शिक्षा प्रणाली के ज्वार के खिलाफ जीत हासिल करता है उत्पादन विकास नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने ट्वेल्थ फेल उपन्यास पर आधारित फिल्म की घोषणा की अनुराग पाठक द्वारा यह फिल्म की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी कास्टिंग नवंबर 2022 में चोपड़ा ने घोषणा की कि अभिनेता विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका निभाएंगे जो उनके पहले सहयोग को चिन्हित करेगा यूपीएससी कोचिंग प्रोफेसर विकास दिव्य कीर्ति को स्क्रीन पर खुद का किरदार निभाने के लिए चुना गया था कई वास्तविक जीवन के यूपीएससी उम्मीदवारों को विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया था मैसी के अनुसार इसमें प्रमाणिकता शामिल हुई फिल्म के लिए फिल्मांकन की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल मसूरी और मुंबई फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दो शिक्षा केंद्रों राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया था फिल्मांकन दिसंबर में पूरा हो गया था रिलीज फिल्म का टीजर 10 अगस्त 2023 को जारी किया गया था ट्रेलर 3 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था फिल्म 27 अक्टूबर 2023 हजार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी हिंदी में सफलता के बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को तमिल भाषाएं और तीन नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी तेलुगु और रिसेप्शन बारहवीं फेल को आलोचकों की प्रशंसा मिली एनडीटीवी के मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा उन्होंने अपनी समीक्षा में कहा कि बारहवीं फेल न केवल उन कठिनाइयों और भावनाओं को समझने के लिए देखी जानी चाहिए जिनसे यू के छात्र गुजरते हैं बल्कि यह हमारे सिस्टम में समग्र शिक्षा पर भी प्रकाश डालती है चोपड़ा ने इससे सबका दिल जीत लिया हिंदुस्तान टाइम्स ने पांच में से चार स्टार दिए और फिल्म दिस इज द इंडिया स्टोरी की समीक्षा की मयंक शेखर मिड्डे के विचार उत्तेजक और मनोरंजक फिल्म है पटकथा द्वारा एक सचमुच सहानुभूतिपूर्ण कहानी तैयार की जाती है यह मनुष्य की यात्रा के उतार चढ़ाव से एक आखिरी हिस्से को नाटकीय रूप से निकालने के लिए किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची से बचाता है बारहवीं फेल ने पांच में से साढ़े तीन स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी के जीवन का मूल चित्रण साइबल चटर्जी शुभ्रा गुप्ता द इंडियन एक्सप्रेस ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कि इसके बावजूद साउंड ट्रैक और मूड में छिटपुट उतार चढ़ाओ बारवी फेल ज्यादातर एक जमीनी हकीकत वाली फिल्म है जिसमें ऐसे किरदार हैं जो सड़क से भटक गए हैं और साथ घूम रहे हैं हम प्रेरणा से भरपूर जीवन के सबक साझा कर रहे हैं इसमें न केवल बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हैं बल्कि इसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं जो उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग सुविधाओं वाले लोकप्रिय क्षेत्रों में एकत्रित होते हैं इन लोगों की छवि जो अपने घरों से दूर छोटी छोटी जगहों में रहते हैं और परीक्षा पास करने और अपने स्वरूप को बदलने की कोशिश में दिन रात पढ़ाई करते हैं एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय कहानी है पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा विक्रांत मैसी ने परफॉर्मेंस शीट पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पास किया कि भावना अग्रवाल इंडिया टुडे के धवल रॉय ने पाँच में से चार स्टार दिए और अपनी समीक्षा में कहा कि बारहवीं फेल ही एक उत्कृष्ट फिल्म है जिसकी अत्यधिक अनुशंसा की जाती है इसके एक मिनट के लगभग हर दृश्य से आप प्रेरित और चकित महसूस करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए चोपड़ा को बधाई की फिल्म में प्रत्येक किरदार को अपना सर्वश्रेष्ठ मौका दिया जाए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने विक्रांत मैसी के प्रदर्शन की सराहना की और कहा हैश टैग उनचालीस यदि विक्रांत मैसी इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीतते हैं तो यह उस अभिनेता के साथ अन्याय होगा जिसने इतने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है दीपा गहलोत रेडिप डॉट कॉम द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा बारहवीं फेल फिल्म समीक्षाविद विनोद चोपड़ा ने आशा की एक और झप्पी दी है जादू इसे भी अधिक गंभीर है सी एन बी सी टी वी एटीन फिल्म की समीक्षा की और लिखा दृढ़ता की इस उल्लेखनीय कहानी के माध्यम से विक्रांत मैसी को शक्ति मिलती है पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा तीशोक्तिपूर्ण नहीं लेकिन बारहवीं फेल बिल्कुल सही हो सकता है बारहवीं फेल को ठीक से देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है कहने की जरूरत नहीं है कि फिल्म के मूल में मानवीय बुनियादी सिद्धांतों का गहरा अभाव है विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पढ़ाई का बोझ पेचीदा सामाजिक गतिशीलता जीविका के लिए छोटी मोटी नौकरियां और भावनाओं का कच्चा बहाव शामिल है यह निर्दोष मनोज विक्रांत मैसी का एक मायावी अनुक्रम है जो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है और पाता है नीचे एक हिलती हुई जमीन ओन मनोरमा के साजेश मोहन में अपनी समीक्षा में लिखा मानव क्षोत्रिय द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया साउंड स्केप मनोज के दर्द और खुशियों को बढ़ाता है जिस तरह से भीड़ भरे दृश्यों में भी मनोज और उसकी भावनाओं को अलग करने के लिए मानव अंदर और बाहर पृष्ठभूमि शोर का उपयोग और पुनः उपयोग करता है वह एक ध्यानपूर्वक फोकस जोड़ता है हालांकि ये उतने थोपे हुए नहीं हैं इनमें से कुछ क्षण गहरे असर छोड़ते हैं स्टीफन हॉपकिंगस के समान रेस से प्रसिद्ध लॉकर रूम दृश्य जहां लैरी स्नाइडर जैसी ओवेंस को शोर को रोकना सिखाते हैं विक्रांत मैसी जन्म तीन अप्रैल उन्नीस सौ सतासी एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और टेलीविज़न से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही नेशनल कॉलेज मैसी ने अपने अभिनय की शुरुआत धूम मचाओ धूम 2007 से की और टेलीविज़न धारावाहिकों में काम किया जैसे धर्मवीर 2008 बालिका वधू 2009 से 2010 और कबूल है 2013 मैसी ने फिल्मों में विस्तार किया लुटेरा 2013 दिल धड़कने दो में सहायक भूमिकाओं के साथ और हाफ गर्लफ्रेंड स्वतंत्र नाटक ए डेथ इन द गुंज जिसमें मैसी की प्रमुख भूमिका थी उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड साबित हुआ जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला इसके बाद वह जीवनी नाटक छपाक रोमांटिक कॉमेडी डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे में दिखाई दिए मिस्ट्री थ्रिलर हसीन दिलरुबा 2021 पारिवारिक ड्रामा राम प्रसाद की तेरहवीं दो और रोमांटिक थ्रिलर लव हॉस्टल 2022 हज़ार स्ट्रीमिंग श्रृंखला मिर्जापुर 2018 में भी प्रमुख भूमिकाएं थी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 2018 से 2019 और आपराधिक न्याय 2019 और मैं जीवनी पर आधारित फिल्म बारहवीं फेल 2023 जो स्लीपर हिट बनकर उभरी प्रारंभिक जीवन विक्रांत मैसी का जन्म अपने उनके माता पिता जौली और मीना से हुआ था प्रारंभिक जीवन मैसी का जन्म उनके माता पिता जौली और मीना से हुआ था एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित उनका जन्म और पालन पोषण उनके माता पिता ने नाग भीड़ में किया था महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक छोटा सा शहर उनका पालन पोषण रोमन में हुआ था कैथोलिक और उनका एक बड़ा भाई मोहसिन है उनका पैतृक परिवार ईसाई धर्म का पालन करता है और उनका मातृ परिवार सिख धर्म का पालन करता है मैसी की शैक्षिक पृष्ठभूमि में वर्सोवा में सेंट एंथोनी हाई स्कूल में पढ़ाई शामिल है और आगे की पढ़ाई से पूरी की गई आर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड बांद्रा मुंबई में विज्ञान एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित नर्तक होने के नाते उन्होंने 12 साल की उम्र में छोटे छोटे नृत्य और थिएटर प्रदर्शन के साथ मंच पर कदम रखा अपने शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपल के समर्थन और मार्गदर्शन से उन्होंने काफ़ी कम उम्र में प्रदर्शन कला को करियर विकल्प के रूप में चुना अपने खाली समय के दौरान वह यात्रा करना क्रिकेट खेलना और वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं करियर 2015 में मैसी मैसी एक प्रशिक्षित आधुनिक समकालीन या आधुनिक जैज डांसर भी है और उन्होंने श्याम अकडावर के साथ काम किया और अपने शो धूम मचाओ धूम में कोरियोग्राफर थे उन्होंने कलर्स टीवी पर टेलीविज़न शो बालिका वधू में श्याम मदन सिंह की भूमिका निभाई एन डी टी वी जो प्रसारित नहीं हुआ कहाँ हूँ मैं स्टार प्लस धूम मचाओ धूम डिज्नी चैनल भारत उन्होंने भारती के पति मुरली के रूप में मुख्य भूमिका निभाई बाबा ऐसो ओ ने भी अभिनय किया और सफल रही बाद में उन्होंने एनडी टी वी पर निखिल सिन्हा और राकेश पासवान की विवाह आनंद जिसमें विक्रांत ने जी टी वी श्रृंखला ऋषभ सिन्हा को रिप्लेस करने के बाद मैसी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू विक्रमादित्य मोटवानी लुटेरा से किया था दो हजार तेरह में रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा उनकी पहली मुख्य भूमिका कोंकणा सेन शर्मा की पहली निर्देशित फिल्म ए डेथ इन द गुंज फिल्म के साथ साथ उनके प्रदर्शन को भी आलोचकों की प्रशंसा मिली राजीव मसन ने अपने प्रदर्शन को दिल छू लेने वाला बताया के लिए इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला यह देव कैडबरी फिनोलैक्स एल ई डी खजाना ज्वेल सैमसंग गैलेक्सी कॉरनेट और आइडिया फोर जी जैसे विभिन्न टेलीविज़न विज्ञापनों का हिस्सा रहे हैं मैसी ने विभिन्न वेब श्रृंखलाओं में भी काम किया है जिनमें मिर्जापुर ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आपराधिक न्याय निर्देशक दिगमांशु धूलिया और विशाल फुरिया और के साथ जोड़ा गया था नेटफ्लिक्स और 9 सितंबर 2020 को प्रीमियर 2019 हज़ार एम आई फिल्म फेस्टिवल में स्पॉटलाइट सेक्शन के तहत किया गया कार्गो आरती कदव द्वारा लिखित और निर्देशित है कार्गो नामक श्वेता त्रिपाठी साइंस फिक्शन फिल्म एक दिल्ली में, में मेड इन हेवन नामक एजेंसी चलाने वाले दो वेडिंग प्लानरों पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन 2020 में वैदिपिका पादुकोण मेघना गुलजार छप्पाक नवोदित पुनित खन्ना द्वारा निर्देशित गिनी वैट सनी में यामी गौतम के विपरीत दिखाई दी विनोद बच्चन द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई धर्म की भूमिका के साथ एक घरेलू नाम बन गए निजी जीवन मैसी पत्नी के साथ शीतल ठाकुर 2022 में मैसी और अभिनेत्री शीतल ठाकुर ने 2015 में डेटिंग शुरू की इससे पहले कि वे श्रृंखला में एक साथ अभिनय करते ब्रोकन लेकिन सुंदर 2018 मैसी और ठाकुर ने नवंबर 2019 में सगाई कर ली और 14 फरवरी 2022 को अपनी शादी का पंजीकरण कराया उनके वर्ष घर पर एक अंतरंग समारोह में 18 फरवरी 2022 को मैसी ने हिमाचल प्रदेश में एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में ठाकुर से शादी की अन्य कार्य और मीडिया छवि द इंडियन एक्सप्रेस की दीप्ति नागपाल ने डॉक्टर डी ने कहा कि मैसी ने हमेशा पसंद करने योग्य भूमिकाएं निभाई हैं टेलीविज़न धारावाहिकों में एशिया नेट न्यूज़ ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक कहा अपने पीढ़ी की ओर आगे कहा अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने लगातार अपरम्परागत भूमिकाएं चुनी हैं जिन्होंने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी है आउटलुक इंडिया के प्रतीक सूर ने कहा जब विक्रांत इसे निभा रहे होते हैं तो कोई भी किरदार स्क्रीन पर अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रूप से जीत जाता हुआ मिलेगा एक कलाकार के रूप में उन्होंने हमेशा खुद को उचित ठहराया है फिल्म साथी ने कहा विक्रांत रहे हैं भूमिका के दायरे प्रकृति या लंबाई की परवाह किए बिना लगातार प्रगति की ओर हर प्रदर्शन से अपनी छाप छोड़ी मैसी कार्नेटो का जैसे ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर हैं आईसीआईसीआई आई बैंक लॉन्ग लाइन्स और नेस कैफे चटर्जी जन्म बीस फरवरी उन्नीस एक भारतीय अभिनेता और पूर्व मॉडल हैं अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने 2001 में तुम बिन हिंदी फिल्म में डेब्यू किया और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की उनके अन्य मान्यता प्राप्त कार्यों में शामिल है आपको पहले भी कहीं देखा है दिल का रिश्ता पिंजर भूतनाथ हेट स्टोरी तीन बादशाहों और शिकारा करियर प्रियांशु चैटर्जी ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत डेग जैम के प्रिंट कैंपेन विल्स सिगरेट्स जैसे प्रोजेक्ट से की लेविका और चार वर्ग इसके बाद वह उदित नारायण में नजर आए म्यूजिक वीडियो चैटर्जी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तुम बिन से की एक रोमांटिक ड्रामा बॉलीवुड हंगामा ने तुम बिन की समीक्षा करते हुए चैटर्जी के बारे में लिखा प्रदर्शन प्रियांशु की भूमिका महत्वपूर्ण है और वह ऐसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं फिल्म की डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपने अगले प्रोजेक्ट में प्रियांशु चटर्जी से फैसले किए हैं जिसमें आपको पहले भी कहीं देखा है सह कलाकार साक्षी शिवानंद ओमपुरी और फरीदा जलाल उसी वर्ष उन्होंने दो और फिल्मों में अभिनय किया दिल का रिश्ता सह कलाकार ऐश्वर्या राय और दूसरी फिल्म है पिंजर बारहवीं फेल एक दो हजार तेईस भारतीय हिंदी भाषा जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म विदु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित लिखित और निर्देशित यह अनुराग पाठक की दो हज़ार उन्नीस की आनाम नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है जो मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी है जिन्होंने अत्यधिक गरीबी को पार कर भारतीय पुलिस सेवा फिल्म में विक्रांत मैसी है शीर्षक भूमिका मेघा शंकर के साथ अनंत वी जोशी अंशुमन पुष्कर और प्रियंशु चटर्जी हैं सत्ताईस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को रूप से रिलीज़ हुई बारहवीं फेल को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह स्लीपर हिट बनकर उभरी यूएस डॉलर सात पॉइंट आठ मिलियन से अधिक की कमाई यूएस डॉलर दो पॉइंट पाँच मिलियन बीस करोड़ बासठ करोड़ दुनिया भर में प्लॉट डाकू से प्रभावित चंबल में जन्मे मनोज कुमार शर्मा एक ईमानदार क्लर्क के बार भी फेल बेटे और के पोते हैं सूबेदार पुलिस का जो कार्रवाई के दौरान शहीद हो गया उनके पिता और उनकी दादी दोनों सख्त भारतीय हैं और भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करते इस अटल विश्वास के कारण मनोज के पिता को एक भ्रष्ट अधिकारी को मारने के आरोप में निलंबित कर दिया जाता है मनोज अपनी कक्षा बारह की परीक्षा के लिए छोटे छोटे चिट बनाकर तैयारी करते हैं जैसा कि उनके सभी बैचमेट करते हैं क्योंकि यह स्कूल और स्थानीय विधायक द्वारा समर्थित एक मजबूत प्रणाली है जो निर्देश देता है कि सभी छात्रों को उत्तीर्ण होना चाहिए हालांकि मनोज की परीक्षा के दौरान नकल को नए डीएसपी ने रोक दिया जो विधायक की कॉल को नज़रअंदाज कर देता है जब हेडमास्टर उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लेता है परिणामस्वरूप मनोज और बाकी सभी लोग बारहवीं बोर्ड परीक्षा में असफल हो जाते हैं इसी बीच उसके पिता अपने निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने चले जाते हैं और परिवार का बोझ मनोज और उसके भाई पर छोड़ देते हैं भाइयों ने एक यात्राकार रखने और शुल्क लेने का फैसला किया ताकि वह घर पर मदद कर सके मनोज के भाई को झूठे आरोपों में पकड़ लिया गया और भ्रष्ट अधिकारी उनके पिता को अपने वरिष्ठ को मारने के लिए दंडित करने के लिए उन्हें दोषी बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नए डीएसपी एस दुष्यंत सिंह उन्हें रोकते हैं जब मनोज यह सीखने का अनुरोध करता है कि वह दुष्यंत जैसा उच्च पदस्थ अधिकारी कैसे बने तो दुष्यंत उसे धोखाधड़ी बंद करने की सलाह देता है एक साल बाद मनोज ने बिना नकल किए बारहवीं कक्षा की परीक्षा तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण की और डी बनने के लिए बी बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का विकल्प चुना जब वह ग्वालियर के सरकारी पी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलता है तो उसकी दादी उसे अपनी सारी बचत दे देती है लेकिन जब वह ग्वालियर पहुंचता है तो वह चोरी हो जाती है ग्वालियर में उसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो पी एस सी की पढ़ाई करने आया था उनके पिता अब उन्हें दिल्ली में यू पी एस सी की पढ़ाई करने के लिए कहते हैं मनोज पढ़ाई और पढ़ाई के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है एक आई पी एस अधिकारी बने उसकी मुलाकात गौरी भैया से होती है जो परीक्षा पास करने के लिए अपने आखिरी प्रयास में है वह मनोज को नौकरी के अवसर और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराते हैं गौरी भैया के इंटरव्यू के नतीजे आते हैं और पता चलता है कि वह फेल हो गए यानी अब वह कभी भी आईपीएस अधिकारी नहीं बन पाएंगे आगे बढ़ने का निर्णय लेते हुए गौरी भैया ने रीस्टार्ट नाम से एक कोचिंग संस्थान और चाय की दुकान खोली और अपनी सेवाएँ निःशुल्क प्रदान करता है अगले वर्ष मनोज अपनी प्रारंभिक परीक्षा देता है लेकिन असफल हो जाता है गौरी भैया की मदद से वह अगले साल फिर से प्रारंभिक परीक्षा लेता है और उसे पास कर लेता है उसकी मुलाकात श्रद्धा जोशी से भी होती है जो पी कर रही है और उससे प्यार करने लगता है अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मनोज उस वर्ष भी अपनी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे फिर वह और भी अधिक मेहनत करने का फैसला करता है और प्रीतम बताते हैं कि मनोज बारह घंटे काम करते थे और पूरी रात पढ़ाई करते थे दिन में केवल तीन घंटे सोते थे वह फिर से प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है लेकिन मुख्य परीक्षा में फिर असफल हो जाता है वह घर लौटता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है अब निराश गौरी भैया मनोज को अपने घर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह छोटी मोटी नौकरियां करना छोड़ दे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दे वह ऐसा करता है और ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मुख्य परीक्षा भी पास कर लेता है लगभग इसी समय प्रीतम जो बार बार सभी परीक्षाओं में असफल हो रहा था को मनोज से ईर्ष्या होने लगती है और उसने श्रद्धा के पिता को झूठी रिपोर्ट दी कि श्रद्धा दिल्ली में मनोज के साथ सो रही थी इससे उनके रिश्ते में दरार आ जाती है लेकिन अंततः मामला सुलझ जाता है हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाते हैं उन्हें पहले ही एहसास हो जा गया था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहता है फिर भी उनके पिता उन पर यूपीएससी करने के लिए दबाव डाल रहे थे और उन्होंने प्रीतम को अपने पिता के खिलाफ खड़े होने की सलाह दी मनोज अपना इंटरव्यू देते हैं और सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं वह श्रद्धा द्वारा इसे लिखा गया एक पत्र पढ़ता है जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है वह खुशी खुशी इंटरव्यू देते हैं और मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं दो महीने बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो मनोज को एहसास हुआ कि उसने कक्षा में टॉप किया है और वह भावुक होकर रोने लगा एक साल बाद मनोज एक उच्च पदस्थ आई अधिकारी बन गए और मध्य प्रदेश के मंदसौर में डीएसपी दुष्यंत सिंह पुलिस स्टेशन में उनसे मिलने आए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद दिया मनोज ने उन्हें अपना विवाह निमंत्रण कार्ड देकर धोखाधड़ी करना शुरू छोड़ दिया और दोनों अपनी सफलता से खुश थे फिल्म समाप्त होती है जहाँ मनोज अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है आखिरकार क्रूर शिक्षा प्रणाली के ज्वार के खिलाफ जीत हासिल करता है उत्पादन विकास नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने ट्वेल्थ फेल उपन्यास पर आधारित फिल्म की घोषणा की अनुराग पाठक द्वारा यह फिल्म की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी कास्टिंग नवंबर 2022 में चोपड़ा ने घोषणा की कि अभिनेता विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका निभाएंगे जो उनके पहले सहयोग को चिन्हित करेगा यूपीएससी कोचिंग प्रोफेसर विकास दिव्य कीर्ति को स्क्रीन पर खुद का किरदार निभाने के लिए चुना गया था कई वास्तविक जीवन के यूपीएससी उम्मीदवारों को विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया था मैसी के अनुसार इसमें प्रमाणिकता शामिल हुई फिल्म के लिए फिल्मांकन की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल मसूरी और मुंबई फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दो शिक्षा केंद्रों राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया था फिल्मांकन दिसंबर में पूरा हो गया था रिलीज फिल्म का टीजर दस अगस्त दो को जारी किया गया था ट्रेलर तीन अक्टूबर दो को जारी किया गया था फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी हिंदी में सफलता के बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को तमिल भाषाएं और तीन नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी तेलुगु और रिसेप्शन बारहवीं फेल को आलोचकों की प्रशंसा मिली एन डी टी वी के मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा उन्होंने अपनी समीक्षा में कहा कि बारहवीं फेल न केवल उन कठिनाइयों और भावनाओं को समझने के लिए देखी जानी चाहिए जिनसे यूपीएससी के छात्र गुजरते हैं बल्कि यह हमारे सिस्टम में समग्र शिक्षा पर भी प्रकाश डालती है चोपड़ा ने इससे सबका दिल जीत लिया हिंदुस्तान टाइम्स ने पाँच में से चार स्टार दी और फिल्म दिस इज द इंडिया स्टोरी की समीक्षा की मयंक शेखर मिड्डे के विचार उत्तेजक और मनोरंजक फिल्म है पटकथा द्वारा एक सचमुच सहानुभूतिपूर्ण कहानी तैयार की जाती है यह मनुष्य की यात्रा के उतार चढ़ाव से एक आखिरी हिस्से को नाटकीय रूप से निकालने के लिए किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची से बचाता है बारहवीं फेल ने पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी के जीवन का मूल चित्रण साइबल चटर्जी शुभ्रा गुप्ता द इंडियन एक्सप्रेस ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कि इसके बावजूद साउंड ट्रैक और मूड में छिटपुट उतार चढ़ाव बारहवीं फेल ज़्यादातर एक ज़मीनी हकीकत वाली फिल्म है जिसमें ऐसे किरदार हैं जो सड़क से भटक गए हैं और साथ घूम रहे हैं हम प्रेरणा से भरपूर जीवन के सबक साझा कर रहे हैं इसमें ना केवल बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हैं बल्कि इसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं जो उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग सुविधाओं वाले लोकप्रिय क्षेत्रों में एकत्रित होते हैं इन लोगों की छवि जो अपने घरों से दूर छोटी छोटी जगहों में रहते हैं और परीक्षा पास करने और अपने स्वरूप को बदलने की कोशिश में दिन रात पढ़ाई करते हैं एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय कहानी है पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा विक्रांत मैसी ने परफॉर्मेंस शीट पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पास किया कि भावना अग्रवाल इंडिया टुडे के धवल रॉय ने पाँच में से चार स्टार दिए और अपनी समीक्षा में कहा कि बारहवीं फेल है एक उत्कृष्ट फिल्म है जिसकी अत्यधिक अनुशंसा की जाती है इसके एक मिनट के लगभग हर दृश्य से आप प्रेरित और चकित महसूस करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए चोपड़ा को बधाई की फिल्म में प्रत्येक किरदार को अपना सर्वश्रेष्ठ मौका दिया जाए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने विक्रांत मैसी के प्रदर्शन की सराहना की और कहा हैश टैग उनचालीस यदि विक्रांत मैसी इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीतते हैं तो यह उस अभिनेता के साथ अन्याय होगा जिसने इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है दीपा गहलोत रेडिप डॉट कॉम द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा बारहवीं फेल फिल्म समीक्षाविदु विनोद चोपड़ा ने आशा की एक और झप्पी दी है जादू इसे भी अधिक गंभीर है सी एन बी सी टी वी एटीन फिल्म की समीक्षा की और लिखा दृढ़ता की इस उल्लेखनीय कहानी के माध्यम से विक्रांत मैसी को शक्ति मिलती है पाँच में से चार स्टार दी और लिखा अतिशोक्तिपूर्ण नहीं लेकिन बारहवीं फिल्म बिल्कुल सही हो सकता है बारहवीं फेल को ठीक से देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है कहने की जरूरत नहीं है कि फिल्म के मूल में मानवीय बुनियादी सिद्धांतों का गहरा अभाव है विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पढ़ाई का बोझ पेचीदा सामाजिक गतिशीलता जीविका के लिए छोटी मोटी नौकरियाँ और भावनाओं का कच्चा बहाव शामिल है यह निर्दोष मनोज विक्रांत मैसी का एक मायावी अनुक्रम है जो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है और पाता है नीचे एक हिलती हुई जमीन ओन मनोरमा के साजेश मोहन ने अपनी समीक्षा में लिखा मानव क्षोत्रिय द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया साउंड स्केप मनोज के दर्द और खुशियों को बढ़ाता है जिस तरह से भीड़ भरे दृश्यों में भी मनोज और उसकी भावनाओं को अलग करने के लिए मानव अंदर और बाहर पृष्ठभूमि शोर का उपयोग और पुनः उपयोग करता है वह एक ध्यानपूर्वक फोकस जोड़ता है हालांकि ये उतने थोपे हुए नहीं हैं इनमें से कुछ क्षण गहरे असर छोड़ते हैं स्टीफन हॉपकिंग्स के समान रेस से प्रसिद्ध लॉकर रोम दृश्य जहां लैरी स्नाइडर जैसी ओवेंस को शोर को रोकना सिखाते हैं विक्रांत मैसी जन तीन अप्रैल उन्नीस एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और टेलीविजन से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही नेशनल कॉलेज मैसी ने अपने बनने की शुरुआत धूम मचाओ धूम 2007 से की और टेलीविज़न धारावाहिकों में काम किया जैसे धर्मवीर 2008 बालिका वधू 2009 से 2010 और कबूल है 2013 मैसी ने फिल्मों में विस्तार किया लुटेरा 2013 दिल धड़कने दो में सहायक भूमिकाओं के साथ और हाफ गर्लफ्रेंड स्वतंत्र नाटक ए डेथ इन द गुंज जिसमें मैसी की प्रमुख भूमिका थी उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला इसके बाद वह जीवनी नाटक छपाक रोमांटिक कॉमेडी डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे में दिखाई दिए मिस्ट्री थ्रिलर हसीन दिलरुबा 2021 पारिवारिक ड्रामा राम प्रसाद की तैरवी 2021 और रोमांटिक थ्रिलर लव हॉस्टल 2022 मैसी की स्ट्रीमिंग श्रृंखला मिर्जापुर 2018 में भी प्रमुख भूमिकाएं थीं ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 2018 से 2019 और आपराधिक न्याय 2019 और मैं जीवनी पर आधारित फिल्म बारहवीं फेल 2023 हज़ार पर जो हिट बनकर उभरी प्रारंभिक जीवन विक्रांत मैसी का जन्म अपने उनके माता पिता जौली और मीना से हुआ था प्रारंभिक जीवन मैसी का जन्म उनके माता पिता जौली और मीना से हुआ था एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित उनका जन्म और पालन पोषण उनके माता पिता ने नाग भीड़ में किया था महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक छोटा सा शहर उनका पालन पोषण रोमन में हुआ था कैथोलिक और उनका एक बड़ा भाई मोहसिन है उनका पैतृक परिवार ईसाई धर्म का पालन करता है और उनका मातृ परिवार सिख धर्म का पालन करता है मैसी की शैक्षिक पृष्ठभूमि में वर्सोवा में सेंट एंथोनी तो हाई स्कूल में पढ़ाई शामिल है और आगे की पढ़ाई से पूरी की गई आर डी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड मुंबई में एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित नर्तक होने के नाते उन्होंने 12 साल की उम्र में छोटे छोटे नृत्य और थिएटर प्रदर्शन के साथ मंच पर कदम रखा अपने शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपल के समर्थन और मार्गदर्शन से उन्होंने काफ़ी कम उम्र में प्रदर्शन कला को करियर विकल्प के रूप में चुना अपने खाली समय के दौरान वह यात्रा करना क्रिकेट खेलना और वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं करियर 2015 में मैसी मैसी एक प्रशिक्षित आधुनिक समकालीन या आधुनिक जैज डांसर भी है और उन्होंने श्यामक डावर के साथ काम किया और अपने शो धूम मचाओ धूम में कोरियोग्राफर थे उन्होंने कलर्स टीवी पर टेलीविज़न शो बालिका वधू में श्याम मदन सिंह की भूमिका निभाई एन डी टी वी जो प्रसारित नहीं हुआ कहाँ हूँ मैं स्टार प्लस धूम मचाओ धूम डिज्नी चैनल भारत उन्होंने भारती के पति मुरली के रूप में मुख्य भूमिका निभाई बाबा ऐसो वर वरढोंडो ने भी अभिनय किया और सफल रही बाद टीवी में उन्होंने एनडी टी वी पर निखिल सिन्हा और राकेश पासवान की विभा आनंद जिसमें विक्रांत ने जी टी वी श्रृंखला ऋषभ सिन्हा को रिप्लेस करने के बाद मैसी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू विक्रमादित्य मोटवानी लुटेरा से किया था दो हजार तेरह में रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा उनकी पहली मुख्य भूमिका कोंकणा सेन शर्मा की पहली निर्देशित फिल्म ए डेथ इन द गुंज फिल्म के साथ साथ उनके प्रदर्शन को भी आलोचकों की प्रशंसा मिली राजीव मसंत ने अपने प्रदर्शन को दिल छू लेने वाला बताया के लिए इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला या देव कैडबरी फिनोलैक्स एल ई डी नेस खजाना ज्वेल सैमसंग गैलेक्सी कॉरनेट और आइडिया फोर जी जैसे विभिन्न टेलीविजन विज्ञापनों का हिस्सा रहे हैं मैसी ने विभिन्न वैव श्रृंखलाओं में भी काम किया है जिनमें मिर्जापुर ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आपराधिक न्याय निर्देशक दिग्वानशु धुलिया और विशाल फुरिया और के साथ जोड़ा गया था नेटफ्लिक्स और 9 सितंबर 2020 को प्रीमियर 2019 हजार फिल्म फेस्टिवल में स्पॉटलाइट सेक्शन के तहत किया गया कार्गो आरती कदव द्वारा लिखित और निर्देशित है कार्गो नामक श्वेता त्रिपाठी साइंस फिक्शन फिल्म एक दिल्ली में मेड इन हैवन नामक एजेंसी चलाने वाले दो वेडिंग प्लानरों पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हैवन 2020 में वैदीपिका पादुकोण मेघना गुलजार छप्पाक नवोदित पुनित खन्ना द्वारा निर्देशित गिनी वेड सनी में यामी गौतम के विपरीत दिखाई दी विनोद बच्चन द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई धर्म की भूमिका के साथ एक घरेलू नाम बन गए निजी जीवन मैसी पत्नी के साथ शीतल ठाकुर 2022 में मैसी और अभिनेत्री शीतल ठाकुर ने 2015 में डेटिंग शुरू की इससे पहले कि वे श्रृंखला में एक साथ अभिनय करते ब्रोकन लेकिन सुंदर 2018 मैसी और ठाकुर ने नवंबर 2019 में सगाई कर ली और 14 फरवरी 2022 को अपनी शादी का पंजीकरण कराया उनके वर्ष घर पर एक अंतरंग समारोह में 18 फरवरी 2022 को मैसी ने हिमाचल प्रदेश में एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में ठाकुर से शादी की अन्य कार्य और मीडिया छवि द इंडियन एक्सप्रेस की दीप्ति नागपाल ने डॉक्टर डी जुसुजा ने कहा कि मैसी ने हमेशा पसंद करने योग्य भूमिकाएं निभाई हैं टेलीविज़न धारावाहिकों में एशिया नेट न्यूज ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक कहा अपने पीढ़ी की ओर आगे कहा अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने लगातार अपरम्परागत भूमिकाएँ चुनी हैं जिन्होंने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी है आउटलुक इंडिया के प्रतीक सूर ने कहा जब विक्रांत इसे निभा रहे होते हैं तो कोई भी किरदार स्क्रीन पर अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रूप से जीत जाता हुआ मिलेगा एक कलाकार के रूप में उन्होंने हमेशा खुद को उचित ठहराया है फिल्म साथी ने कहा विक्रांत रहे हैं भूमिका के दायरे प्रकृति या लंबाई की परवाह किए बिना लगातार प्रगति की ओर हर प्रदर्शन से अपनी छाप छोड़ी मैसी कार्नेटो का जैसे ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर है आईसीआईसीआई आई आई बैंक लॉन्ग लाइन्स और नेस कैफे प्रियांशु चटर्जी जन्म बीस फरवरी उन्नीस एक भारतीय अभिनेता और पूर्व मॉडल हैं अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने 2001 में तुम बिन हिंदी फिल्म में डेब्यू किया और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की उनके अन्य मान्यता प्राप्त कार्यों में शामिल है आपको पहले भी कहीं देखा है दिल का रिश्ता पिंजर भूतनाथ हेट स्टोरी तीन बादशाहों और शिकारा करियर प्रियांशु चैटर्जी ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत डेग जैम के प्रिंट कैंपेन वेल्स सिगरेट्स जैसे प्रोजेक्ट से की लेवी का और चार वर्ग इसके बाद वह उदित नारायण में नजर आए म्यूजिक वीडियो चैटर्जी ने अपने अभिनन करियर की शुरुआत तुम बिन से की एक रोमांटिक ड्रामा बॉलीवुड हंगामा ने तुम बिन की समीक्षा करते हुए चैटर्जी के बारे में लिखा प्रदर्शन प्रियांशु की भूमिका महत्वपूर्ण है और वह पूरी ईमानदारी से निभाते हैं फिल्म की डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपने अगले प्रोजेक्ट में प्रियांशु चटर्जी से फैसले किए हैं जिसमें आपको पहले भी कहीं देखा है सह कलाकार साक्षी शिवानंद ओमपुरी और फरीदा जलाल उसी वर्ष उन्होंने दो और फिल्मों में अभिनय किया दिल का रिश्ता सह कलाकार ऐश्वर्या राय और दूसरी फिल्म है पिंजर बारहवीं फेल एक दो हजार तेईस भारतीय हिंदी भाषा जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म विदु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित लिखित और निर्देशित यह अनुराग पाठक की दो हज़ार उन्नीस की आनाम नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है जो मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी है जिन्होंने अत्यधिक गरीबी को पार कर भारतीय पुलिस सेवा फिल्म में विक्रांत मैसी है शीर्षक भूमिका मेघा शंकर के साथ अनंत वी जोशी अंशुमन पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी हैं सत्ताईस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को नाटक रूप से रिलीज़ हुई बारवीं फेल को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह स्लीपर हिट बनकर उभरी यूएस डॉलर सात पॉइंट आठ मिलियन से अधिक की कमाई यूएस डॉलर दो पॉइंट पाँच मिलियन बीस करोड़ बासठ करोड़ दुनिया भर में प्लॉट डाकू से प्रभावित चंबल में जन्मे मनोज कुमार शर्मा एक ईमानदार क्लर्क के बारवीं फेल बेटे और के पोते हैं सूबेदार पुलिस का जो कार्रवाई के दौरान शहीद हो गया उनके पिता और उनकी दादी दोनों सख्त भारतीय हैं और भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करते इस अटल विश्वास के कारण मनोज के पिता को एक भ्रष्ट अधिकारी को मारने के आरोप में निलंबित कर दिया जाता है मनोज अपनी कक्षा बारह की परीक्षा के लिए छोटे छोटे चिट बनाकर तैयारी करते हैं जैसा कि उनके सभी बैचमेट करते हैं क्योंकि यह स्कूल और स्थानीय विधायक द्वारा समर्थित एक मजबूत प्रणाली है जो निर्देश देता है कि सभी छात्रों को उत्तीर्ण होना चाहिए हालांकि मनोज की परीक्षा के दौरान नकल को नए डीएसपी ने रोक दिया जो विधायक की कॉल को नज़रअंदाज कर देता है जब हेडमास्टर उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लेता है परिणाम स्वरूप मनोज और बाकी सभी लोग बारहवीं बोर्ड परीक्षा में असफल हो जाते हैं इसी बीच उसके पिता अपने निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देने चले जाते हैं और परिवार का बोझ मनोज और उसके भाई पर छोड़ देते हैं भाइयों ने एक यात्राकार रखने और शुल्क लेने का फैसला किया ताकि वह घर पर मदद कर सके मनोज के भाई को झूठे आरोपों में पकड़ लिया गया और भ्रष्ट अधिकारी उनके पिता को अपने वरिष्ठ को मारने के लिए दंडित करने के लिए उन्हें दोषी बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नए डीएसपी दुष्यंत सिंह उन्हें रोकते हैं जब मनोज यह सीखने का अनुरोध करता है कि वह दुष्यंत जैसा उच्च पदस्थ अधिकारी कैसे बने तो दुष्यंत उसे धोखाधड़ी बंद करने की सलाह देता है एक साल बाद मनोज ने बिना नकल किए बारहवीं कक्षा की परीक्षा तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण की और डीएसपी बनने के लिए बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का विकल्प चुना जब वह ग्वालियर के सरकारी पीएससी एस कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए निकलता है तो उसकी दादी उसे अपनी सारी बचत दे देती है लेकिन जब वह ग्वालियर पहुंचता है तो वह चोरी हो जाती है ग्वालियर में उसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है जो पी एस सी की पढ़ाई करने आया था उनके पिता अब उन्हें दिल्ली में यू पी एस सी की पढ़ाई करने के लिए कहते हैं मनोज पढ़ाई और पढ़ाई के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली जाता है एक आई पी एस अधिकारी बने उसकी मुलाकात गौरी भैया से होती है जो परीक्षा पास करने के लिए अपने आखिरी प्रयास में है वह मनोज को नौकरी के अवसर और पढ़ाई के लिए जगह मुहैया कराते हैं गौरी भैया के इंटरव्यू के नतीजे आते हैं और पता चलता है कि वह फेल हो गए यानी अब वह कभी भी आई अधिकारी नहीं बन पाएंगे आगे बढ़ने का निर्णय लेते हुए गौरी भैया ने रीस्टार्ट नाम से एक कोचिंग संस्थान और चाय की दुकान खोली और अपनी सेवाएँ को प्रदान करता है अगले वर्ष मनोज अपनी प्रारंभिक परीक्षा देता है लेकिन असफल हो जाता है गौरी भैया की मदद से वह अगले साल फिर से प्रारंभिक परीक्षा लेता है और उसे पास कर लेता है उसकी मुलाकात श्रद्धा जोशी से भी होती है जो पी कर रही है और उससे प्यार करने लगता है अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मनोज उस वर्ष भी अपनी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे फिर वह और भी अधिक मेहनत करने का फैसला करता है और प्रीतम बताते हैं कि मनोज बारह घंटे काम करते थे और पूरी रात पढ़ाई करते थे दिन में केवल तीन घंटे सोते थे वह फिर से प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है लेकिन मुख्य परीक्षा में फिर असफल हो जाता है वह घर लौटता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है अब निराश गौरी भैया मनोज को अपने घर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह छोटी मोटी नौकरियां करना छोड़ दे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दे वह ऐसा करता है और ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मुख्य परीक्षा भी पास कर लेता है लगभग इसी समय प्रीतम जो बार बार सभी परीक्षाओं में असफल हो रहा था को मनोज से ईर्ष्या होने लगती है और उसने श्रद्धा के पिता को झूठी रिपोर्ट दी कि श्रद्धा दिल्ली में मनोज के साथ सो रही थी इससे उनके रिश्ते में दरार आ जाती है लेकिन अंततः मामला सुलझ जाता है हालांकि मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाते हैं उन्हें पहले ही एहसास हो जा गया था कि प्रीतम एक रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहता है फिर भी उनके पिता उन पर यूपीएससी करने के लिए दबाव डाल रहे थे और उन्होंने प्रीतम को अपने पिता के खिलाफ खड़े होने की सलाह दी मनोज अपना इंटरव्यू देते हैं और सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं वह श्रद्धा द्वारा इसे लिखा गया एक पत्र पढ़ता है जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है वह खुशी खुशी इंटरव्यू देते हैं और मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं दो महीने बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो मनोज को एहसास हुआ कि उसने कक्षा में टॉप किया है और वह भावुक होकर रोने लगा एक साल बाद मनोज एक उच्च पदस्थ आई अधिकारी बन गए और मध्य प्रदेश के मंदसौर में डीएसपी दुष्यंत सिंह पुलिस स्टेशन में उनसे मिलने आए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद दिया मनोज ने उन्हें अपना विवाह निमंत्रण कार्ड देकर धोखाधड़ी करना शुरू छोड़ दिया और दोनों अपनी सफलता से खुश थे फिल्म समाप्त होती है जहाँ मनोज अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी शादी का जश्न मनाता है आखिरकार क्रूर शिक्षा प्रणाली के ज्वार के खिलाफ जीत हासिल करता है उत्पादन विकास नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने ट्वेल्थ फेल उपन्यास पर आधारित फिल्म की घोषणा की अनुराग पाठक द्वारा यह फिल्म की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी कास्टिंग नवंबर 2022 में चोपड़ा ने घोषणा की कि अभिनेता विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका निभाएंगे जो उनके पहले सहयोग को चिन्हित करेगा यूपीएससी कोचिंग प्रोफेसर विकास दिव्य कीर्ति को स्क्रीन पर खुद का किरदार निभाने के लिए चुना गया था कई वास्तविक जीवन के यूपीएससी उम्मीदवारों को विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया था मैसी के अनुसार इसमें प्रमाणिकता शामिल हुई फिल्म के लिए फिल्मांकन की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल मसूरी और मुंबई फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दो शिक्षा केंद्रों राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया था फिल्मांकन दिसंबर में पूरा हो गया था रिलीज फिल्म का टीजर 10 अगस्त 2023 को जारी किया गया था ट्रेलर 3 अक्टूबर 2023 तो को जारी किया गया था फिल्म 27 अक्टूबर 2023 तो हजार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी हिंदी में सफलता के बाद निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को तमिल भाषाएं और तीन नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी तेलुगु और रिसेप्शन बारहवीं फेल को आलोचकों की प्रशंसा मिली एनडीटीवी के मोनिका रावल कुकरेजा ने कहा उन्होंने अपनी समीक्षा में कहा कि बारहवीं फेल के ना केवल उन कठिनाइयों और भावनाओं को समझने के लिए देखी जानी चाहिए जिनसे यू के छात्र गुजरते हैं बल्कि यह हमारे सिस्टम में समग्र शिक्षा पर भी प्रकाश डालती है चोपड़ा ने इससे सबका दिल जीत लिया हिंदुस्तान टाइम्स ने में से चार स्टार दिए और फिल्म दिस इज द इंडिया स्टोरी की समीक्षा की मयंक शेखर मिड्डे के विचार उत्तेजक और मनोरंजक फिल्म है पटकथा द्वारा एक सचमुच सहानुभूतिपूर्ण कहानी तैयार की जाती है यह मनुष्य की यात्रा के उतार चढ़ाव से एक आखिरी हिस्से को नाटकीय रूप से निकालने के लिए किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची से बचाता है बारहवीं फेल ने में से साढ़े तीन स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी के जीवन का मूल चित्रण साइबल चटर्जी शुभ्र गुप्ता द इंडियन एक्सप्रेस ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कि इसके बावजूद साउंड ट्रैक और मूड में छिटपुट उतार चढ़ाव बारवी फेल ज्यादातर एक जमीनी हकीकत वाली फिल्म है जिसमें ऐसे किरदार हैं जो सड़क से भटक गए हैं और साथ घूम रहे हैं हम प्रेरणा से भरपूर जीवन के सबक साझा कर रहे हैं इसमें न केवल बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हैं बल्कि इसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं जो उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग सुविधाओं वाले लोकप्रिय क्षेत्रों में एकत्रित होते हैं इन लोगों की छवि जो अपने घरों से दूर छोटी छोटी जगहों में रहते हैं और परीक्षा पास करने और अपने स्वरूप को बदलने की कोशिश में दिन रात पढ़ाई करते हैं एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय कहानी है पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा विक्रांत मैसी ने परफॉर्मेंस शीट पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पास किया कि भावना अग्रवाल इंडिया टुडे के धवल रॉय ने पाँच में से चार स्टार दिए और अपनी समीक्षा में कहा कि बारहवीं फेल यह एक उत्कृष्ट फिल्म है जिसकी अत्यधिक अनुशंसा की जाती है इसके एक मिनट के लगभग हर दृश्य से आप प्रेरित और चकित महसूस करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए चोपड़ा को बधाई की फिल्म में प्रत्येक किरदार को अपना सर्वश्रेष्ठ मौका दिया जाए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने विक्रांत मैसी के प्रदर्शन की सराहना की और कहा हैश टैग उनचालीस यदि विक्रांत मैसी इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीतते हैं तो यह उस अभिनेता के साथ अन्याय होगा जिसने इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया है दीपा गहलोत रेडिप डॉट कॉम द हिंदू के अनुज कुमार ने फिल्म की समीक्षा की और लिखा बारहवीं फेल फिल्म समीक्षा विदु विनोद चोपड़ा ने आशा की एक और झप्पी दी है जादू इसे भी अधिक गंभीर है सी एन बी सी टी वी एटीन फिल्म की समीक्षा की और लिखा दृढ़ता की इस उल्लेखनीय कहानी के माध्यम से विक्रांत मैसी को शक्ति मिलती है पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा तिशोक्तिपूर्ण नहीं लेकिन बारहवीं फेल। बिल्कुल सही हो सकता है बारहवीं फेल को ठीक से देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है कहने की जरूरत नहीं है कि फिल्म के मूल में मानवीय बुनियादी सिद्धांतों का गहरा अभाव है विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पढ़ाई का बोझ पेचीदा सामाजिक गतिशीलता जीविका के लिए छोटी मोटी नौकरियाँ और भावनाओं का कच्चा बहाव शामिल है यह निर्दोष मनोज विक्रांत मैसी का एक मायावी अनुक्रम है जो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है और पाता है नीचे एक हिलती हुई जमीन ओन मनोरमा के साजिश मोहन ने अपनी समीक्षा में लिखा मानव क्षेत्रीय द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया साउंड स्केप मनोज के दर्द और खुशियों को बढ़ाता है जिस तरह से भीड़ भरे दृश्यों में भी मनोज और उसकी भावनाओं को अलग करने के लिए मानव अंदर और बाहर पृष्ठभूमि शोर का उपयोग और पुनः उपयोग करता है वह एक ध्यानपूर्वक फोकस जोड़ता है हालांकि ये उतने थोपे हुए नहीं हैं इनमें से कुछ क्षण गहरे असर छोड़ते हैं स्टीफन हॉपकिंग्स के समान रेस से प्रसिद्ध लॉकर रूम दृश्य जहाँ लैरी स्नाइडर जैसी ओवेंस को शोर को रोकना सिखाते हैं विक्रांत मैसी जन्म तीन अप्रैल उन्नीस सौ सतासी एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और टेलीविज़न से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही नेशनल कॉलेज मैसी ने अपने अभिनय की शुरुआत धूम मचाओ धूम 2007 से की और टेलीविज़न धारावाहिकों में काम किया जैसे धर्मवीर 2008 बालिका वधू 2009 से 2010 और को बोल है 2013 मैसी ने फिल्मों में विस्तार किया लुटेरा 2013 दिल धड़कने दो में सहायक भूमिकाओं के साथ और हाफ गर्लफ्रेंड स्वतंत्र नाटक ए डेथ इन द गुंज जिसमें मैसी की प्रमुख भूमिका थी उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड साबित हुआ जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला इसके बाद वह जीवनी नाटक छपाक रोमांटिक कॉमेडी डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे में दिखाई दिए मिस्ट्री थ्रिलर हसीन दिलरुबा 2021 पारिवारिक ड्रामा राम प्रसाद की तेरहवीं दो और रोमांटिक थ्रिलर लव हॉस्टल 2022 मैसिक मैसी स्ट्रीमिंग श्रृंखला मिर्जापुर 2018 में भी प्रमुख भूमिकाएं थीं ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 2018 से 2019 और आपराधिक न्याय 2019 और मैं जीवनी पर आधारित फिल्म बारहवीं फेल 2023 हज़ार पर जो हिट बनकर उभरी प्रारंभिक जीवन विक्रांत मैसी का जन्म अपने उनके माता पिता जौली और मीना से हुआ था प्रारंभिक जीवन मैसी का जन्म उनके माता पिता जौली और मीना से हुआ था एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित उनका जन्म और पालन पोषण उनके माता पिता ने नाग भीड़ में किया था महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक छोटा सा शहर उनका पालन पोषण रोमन में हुआ था कैथोलिक और उनका एक बड़ा भाई मोहसिन है उनका पैतृक परिवार ईसाई धर्म का पालन करता है और उनका मातृ परिवार सिख धर्म का पालन करता है मैसी की शैक्षिक पृष्ठभूमि में वर्सोवा में सेंट एंथोनी तो हाई स्कूल में पढ़ाई शामिल है और आगे की पढ़ाई से पूरी की गई आर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड बांद्रा मुंबई में विज्ञान एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित नर्तक होने के नाते उन्होंने 12 साल की उम्र में छोटे छोटे नृत्य और थिएटर प्रदर्शन के साथ मंच पर कदम रखा अपने शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपल के समर्थन और मार्गदर्शन से उन्होंने काफ़ी कम उम्र में प्रदर्शन कला को करियर विकल्प के रूप में चुना अपने खाली समय के दौरान वह यात्रा करना क्रिकेट खेलना और वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं करियर 2015 में मैसी मैसी एक प्रशिक्षित आधुनिक समकालीन या आधुनिक जैज डांसर भी है और उन्होंने श्याम अकडावर के साथ काम किया और अपने शो धूम मचाओ धूम में कोरियोग्राफर थे उन्होंने कलर्स टीवी पर टेलीविज़न शो बालिका वधू में श्याम मदन सिंह की भूमिका निभाई एन डी टी वी जो प्रसारित नहीं हुआ कहाँ हूँ मैं स्टार प्लस धूम मचाओ धूम डिज्नी चैनल भारत उन्होंने भारती के पति मुरली के रूप में मुख्य भूमिका निभाई बाबा एसओ व्डो ने भी अभिनय किया और सफल रही बाद टीवी में उन्होंने एनडी टी वी मैगजिन पर निखिल सिन्हा और राकेश पासवान की विवाह आनंद जिसमें विक्रांत ने जी टी वी श्रृंखला ऋषभ सिन्हा को रिप्लेस करने के बाद मैसी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू विक्रमादित्य मोटवानी लुटेरा से किया था दो हजार तेरह में रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा उनकी पहली मुख्य भूमिका कोंकणा सेन शर्मा की पहली निर्देशित फिल्म ए डेथ इन द गुंज फिल्म के साथ साथ उनके प्रदर्शन को भी आलोचकों की प्रशंसा मिली राजीव मसन्द ने अपने प्रदर्शन को दिल छू लेने वाला बताया के लिए इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला यह जतक देव कैडबरी फिनोलैक्स एल ई डी नेस खजाना ज्वेल सैमसंग गैलेक्सी कॉर्नेट और आइडिया फोर जी जैसे विभिन्न टेलीविजन विज्ञापनों का हिस्सा रहे हैं मैसी ने विभिन्न वेब श्रृंखलाओं में भी काम किया है जिनमें मिर्जापुर ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, आपराधिक न्याय निर्देशक दिगमांशु धूलिया और विशाल फुरिया और के साथ जोड़ा गया था नेटफ्लिक्स और 9 सितंबर 2020 को प्रीमियर 2019 हज़ार एम ए फिल्म फेस्टिवल में स्पॉटलाइट सेक्शन के तहत किया गया कार्गो आरती कदव द्वारा लिखित और निर्देशित है कार्गो नामक श्वेता त्रिपाठी साइंस फिक्शन फिल्म एक दिल्ली में मेड इन हैवन नामक एजेंसी चलाने वाले दो वेडिंग प्लानरों पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हैवन 2020 में वैदिपिका पादुकोण मेघना गुलजार छप्पाक नवोदित पुनित खन्ना द्वारा निर्देशित गिनी वैट सनी में यामी गौतम के विपरीत दिखाई दी विनोद बच्चन द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई धर्म की भूमिका के साथ एक घरेलू नाम बन गए निजी जीवन मैसी पत्नी के साथ शीतल ठाकुर 2022 में मैसी और अभिनेत्री शीतल ठाकुर ने 2015 में डेटिंग शुरू की इससे पहले कि वे श्रृंखला में एक साथ अभिनय करते ब्रोकन लेकिन सुंदर 2018 मैसी और ठाकुर ने नवंबर 2019 में सगाई कर ली और 14 फरवरी 2022 को अपनी शादी का पंजीकरण कराया उनके वर्ष घर पर एक अंतरंग समारोह में 18 फरवरी 2022 को मैसी ने हिमाचल प्रदेश में एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में ठाकुर से शादी की अन्य कार्य और मीडिया छवि द इंडियन एक्सप्रेस की दीप्ति नागपाल ने डॉक्टर डी ने कहा कि मैसी ने हमेशा पसंद करने योग्य भूमिकाएं निभाई हैं टेलीविज़न धारावाहिकों में एशिया नेट न्यूज़ ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक कहा अपनी पीढ़ी की ओर आगे कहा अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने लगातार अपरम्परागत भूमिकाएं चुनी हैं जिन्होंने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी है आउटलुक इंडिया के प्रतीक सूर ने कहा जब विक्रांत इसे निभा रहे होते हैं तो कोई भी किरदार स्क्रीन पर अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रूप से जीत जाता हुआ मिलेगा एक कलाकार के रूप में उन्होंने हमेशा खुद को उचित ठहराया है फिल्म साथी ने कहा विक्रांत रहे हैं भूमिका के दायरे प्रकृति या लंबाई की परवाह किए बिना लगातार प्रगति की ओर हर प्रदर्शन से अपनी छाप छोड़ी मैसी कार्नेटो का जैसे ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर हैं आईसीआईसीआई आई बैंक लॉन्ग लाइन्स और नेस कैफ़े प्रियांशु चटर्जी जन्म बीस फरवरी उन्नीस सौ तिहत्तर एक भारतीय अभिनेता और पूर्व मॉडल हैं अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा में काम करते हैं उन्होंने 2001 में तुम बिन हिंदी फिल्म में डेब्यू किया और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की उनके अन्य मान्यता प्राप्त कार्यों में शामिल है आपको पहले भी कहीं देखा है दिल का रिश्ता पिंजर भूतनाथ हेट स्टोरी तीन बादशाहों और शिकारा करियर प्रियांशु चैटर्जी ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत डेग जैम के प्रिंट कैंपेन वेल्स सिगरेट्स जैसे प्रोजेक्ट से की लेवी का और चार वर्ग इसके बाद वह उदित नारायण में नजर आए म्यूजिक वीडियो चैटर्जी ने अपने अभिनन करियर की शुरुआत तुम बिन से की एक रोमांटिक ड्रामा बॉलीवुड हंगामा ने तुम बिन की समीक्षा करते हुए चैटर्जी के बारे में लिखा प्रदर्शन प्रियांशु की भूमिका महत्वपूर्ण है और वह ऐसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं फिल्म की डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपने अगले प्रोजेक्ट में प्रियांशु चटर्जी से फैसले किए हैं जिसमें आपको पहले भी कहीं देखा है सह कलाकार साक्षी शिवानंद ओमपुरी और फरीदा जलाल उसी वर्ष उन्होंने दो और फिल्मों में अभिनय किया दिल का रिश्ता सह कलाकार ऐश्वर्या राय और दूसरी फिल्म है पिंजर